अच्छा देखिए, इनकी रिसर्च देखिए, ये पता करके आए हैं कि कौन कौन अभी सिंगल है और इनके ऊपर तो बड़े सारे लोगों की निगाहें भी हैं, तो इन्होंने ऐलान भी कर दिया है, उसके मतलब भी आप लोग समझते रहिएगा। ऐसा है कि आपकी खुशी देखकर मुझे भी लग रहा है कि अभी सिंगल स्टेटस चेंज कर देना चाहिए। पर बहरहाल, सबसे पहले मैं रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का और खासकर सुनील रायसोनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और खासकर जो मेरे बड़े भाई, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी जी, उनके लिए तालियों से उनका अभिनंदन होना चाहिए। दिनेश गौतम जी, आपका कि आप इस सेशन का संचालन कर रहे हैं। तमाम हमारे जो पैनलिस्ट है, अनिला जी व्यस्त रहती हैं बहुत टीवी डिबेट्स में भी और बाकी राजनीतिक कार्यक्रम में, और इलियास शराफुद्दीन साहब, फरीन, तो सभी लोगों का और खासकर नागपुर की जनता का और यहाँ के स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आने का। वैसे मुझे अपने होम स्टेट में आना बहुत अच्छा भी लगता है। आप शहजाद को पूना से बाहर दिल्ली में भेज सकते हो, पर शहजाद का महाराष्ट्रन और पूना उनसे नहीं जुदा कर सकते हैं। तो मुझे खुशी हुई कि मैं अपने होम स्टेट पे फिर से आया हूँ और इसी मुद्दे पर आया हूँ। मुद्दा आज यही है कि तीन तलाक, सजा या आज़ादी। तो जैसे आप बता रहे थे दिनेश जी कि सजा या आज़ादी, ये इस पर निर्भर करता है। मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो चलेगा कि मराठीत बोलूँ? हिंदी में इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश तो मैं रख ही नहीं रहा ऑप्शन। हिंदी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे कई सारे साथी जो पैनलिस्ट है वो हिंदी भाषी है, तो हिंदी बोलते हैं। और हिंदी वैसे भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसमें कोई हमें संकोच की बात नहीं। और ना मेरी मातृभाषा इंग्लिश है, ना मेरी मातृभाषा इटालियन है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो तीन तलाक, सजा या आजादी। तीन तलाक, सजा या आजादी। आजादी उनके लिए जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उस नजरिए से देखते हैं, सजा उनके लिए जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के नजरिए से उसको देखते हैं, तो उनके लिए सजा, और जो महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं उनके लिए आजादी। तीन तलाक पे बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये तीन तलाक कुरीति है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उल्टा इसको तलाक-ए-बिद्दत इसलिए कहा जाता है, बिद्दत का मतलब होता है अरबी में कि जो चीज इनोवेट की गई है कन्वीनियंस के लिए बुरे तरीके से, मतलब कि आपने शॉर्टकट अपना लिया, पर वो अल्लाह का रास्ता नहीं है, वो मुल्ला का रास्ता है। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम बहुत अंतर है, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम बहुत अंतर है। मुझे पता है इलियास शराफुद्दीन इस पे राय रखेंगे। चलिए, ये भी नागपुर में आकर इलियास शराफुद्दीन जी का हृदय परिवर्तन हो गया, तो मुझे लगता है यहाँ की भूमि में ही कुछ चमत्कार है। वैसे ये भूमि स्वयं सेवकों की भी है और समाज सेवकों की भी है। 2014 में मुझे लगता है कि, जो मैं इस विषय पे आऊँ उससे पहले, मुझे लगता है कि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, तीन तलाक सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके एक कुरीति को हटाना पड़ा, कहना पड़ा सरकार से कि आप कानून बनाइए। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 70 सालों तक जिन लोगों ने सेक्युलरिज्म का बुर्का पहनकर वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने दरअसल हमेशा मुसलमानों को ये तो कहा कि हम तुम्हारी तरफ है, पर वो मुसलमानों की तरफ नहीं थे, वो मुसलमानों के बीच कट्टर पंथियों की तरफ थे, वो मुसलमान महिलाओं को तो कुछ मानते ही नहीं थे। अगर वो मुसलमान महिलाओं को मानते तो जब एक अवसर
प्रदान किया गया सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा शाहबानू के केस में, तो उसी समय पर इस कुरीति को निपटाने का काम किया जा सकता था। पर शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक, तथाकथित सेक्युलर वादियों का हाथ मुसलमानों के साथ नहीं था, मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ था। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। और यह मैं कहूंगा डंके की चोट से, कहूंगा कि और किसी में भी यह हिम्मत नहीं होती नरेंद्र मोदी के अलावा कि इस कानून को सच्चाई में तब्दील कर। और इसीलिए तीन तलाक के हवाले से दिनेश जी, मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि 2014 और 2019 में देश की जनता ने जरूर प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया, पर हमें प्रधानमंत्री नहीं, हमें प्रधान सेवक, स्वयं सेवक और समाज सेवक मिला। और समाज सेवक भी ऐसा मिला, उसने उस समाज सुधार का काम किया जिसको मुझे आज संकोच नहीं होता ये कहने में, मैं महाराष्ट्र की धरती में हूं, कि ये समाज सुधार का काम उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में छत्रपति शाहू महाराज का काम आता है, जिस श्रेणी में महात्मा फुले का काम आता है, जिस श्रेणी में राजा राम मोहन रॉय का काम आता है। अब किसी को इस पर आपत्ति हो तो हो जाके केस दर्ज करवा सकते हैं, परंतु मेरे कुछ सवाल है और पैनल पे भी इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत कुछ लोग करें। अगर 20 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल देशों में जहां पर इस्लाम का कानून लागू है, तीन तलाके मतलब तलाके बिद्दत हट जाता है, पाकिस्तान, मोरक्को और सऊदी अरेबिया में यह कानून नहीं है, पाकिस्तान में इस कानून के ऊपर सजा है कि मतलब अगर मर्द ने तीन तलाक दे दिया व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसको सजा होगी। पर हम एक सेक्युलर मुल्क है, शहजाद पूनावाला के दादा दादी ने इधर रहने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि हमने ये निश्चय किया था कि हम सेक्युलर मुल्क बनेंगे। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कानून इस्लामिक स्टेट में लागू नहीं है वो भारत में लागू हो जहां पर संविधान लागू है। तो क्या यह संविधान बचाने की बात है या शरिया लागू कराने की बात है? और मैं आपको डंके की चोट से कह सकता हूं, अगर मुझे यह चाहिए होता कि मेरा देश शरिया से चले तो मेरे बाप दादा पाकिस्तान चले गए होते, मेरा मुल्क संविधान और संविधान से ही चलेगा क्योंकि संविधान ही सबसे ऊपर है, कोई शरिया ऊपर नहीं। और वैसे भी आप कह रहे थे कि ये हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो मिल गई आजादी, आजादी 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 तो करते रहते हो, तो मिल गई तीन तलाक से आजादी, खुशी मनाओ, क्यों रोते हो? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जो खलीफ उमर थे, दूसरे खलीफा थे इस्लाम के, उनके समय पर तो तीन तलाक देने पर, उस समय व्हाट्सएप नहीं था पर जुबानी तलाक 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 बोलने पर कोड़े पड़ते थे, कोड़े, हजार कोड़े। तो आज तो जो लोग इसकी वकालत कर रहे कि सजा नहीं होनी चाहिए, उनको तो कोड़े नहीं पड़ रहे, सिर्फ जेल की सजा हो रही है। तो इस उमर साहब के जमाने में कोड़े पड़ते थे, अभी तो कानून फिर भी ठीक है, आपको सिर्फ जेल जाना पड़ेगा, कोड़े नहीं मारेंगे आपको। अगर शरिया का ही कानून लागू हो जाए तो कोड़े मारने की सजा है। पर ये वो बात भूल जाते हैं। दरअसल क्या है कि वोट बैंक की राजनीति से और उस बीमारी से लोग इतने ग्रसित है कि ये लोग चाहते हैं कि हम वोट बैंक को ऊपर रखेंगे, महिलाओं के अधिकारों को ऊपर नहीं रखेंगे। और विडंबना देखिए, ये अभी नागरिकता कानून में दो विडंबना बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि बाकी लोगों को भी बोल, दो विडंबना देखिए, कॉन्ट्राडिक्शंस देखिए, आयरनी। एक तो ये कागज नहीं दिखाऊंगा गैंग है ये हमारे देश में, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, ये करते रहते, इसलिए कागज दिखाए बिना तलाक भी चाहिए था इनको, अब नहीं है। तो ये कागज नहीं दिखाऊंगा वाले लोग जो है मंडली, ये कहती है आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है नागरिकता कानून में, आपने पाकिस्तान के हिंदुओं को कैसे दे दिया
पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या होगा, बांग्लादेश के मुसलमानों का क्या होगा? अरे साहब, आर्टिकल 14 में पाकिस्तानी मुसलमानों का क्या होगा उसकी इतनी चिंता पड़ी है, और उसी आर्टिकल 14 को 3 तलाक कुचलता है हमारी भारत की मुसलमान महिलाओं के लिए, तो तब आपको आर्टिकल 14 की याद नहीं आई? तब आर्टिकल 14 पे आपके जुबान पे ताले पड़ गए? दूसरी आयरनी सुनिए, राज्यसभा और पार्लियामेंट में खड़े होकर लोकसभा में जब इस पे चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, 2017 में आया था, 2019 में कानून आया, उस बीच में फैसला आने के बावजूद भी हजारों केसेस आ गए 3 तलाक के, हजारों केसेस कि किसी ने दाल में नमक कम डाला है, किसी ने टोस्ट जला दिया है, हाँ किसी ने और कुछ कर दिया है, या व्हाट्सएप के जरिए इतने केसेस आ गए। तो ये लोग खड़े होकर राज्यसभा और लोकसभा में, और कौन खड़े होकर बोल रहे थे आप जानते हैं, वो कहने लगे कि मुसलमान मर्दों पर बड़ा अत्याचार होगा, इससे तलाक मिल रही है मुसलमान औरत को दाल में नमक कम होने की वजह से, अत्याचार हो रहा है मुसलमान मर्दों पर। और लोग कह भी रहे पार्लियामेंट में, अच्छा ठीक है मान लेते आपकी बात, आपकी बात मान लेते, भारत में मोदी मुसलमान मर्दों को बड़ा परेशान कर रहा है, इलियास शराफुद्दीन, शहजाद पूनावाला, सबको परेशान कर रहा है, तो फिर नागरिकता कानून में पाकिस्तान के मुसलमानों को क्यों न्योता दे रहे हो भाई? उनको वहीं रहने दो सुरक्षित अपने देश में, भारत जैसे देश में बुलाकर क्यों उनको उनकी जिंदगी हराम कर रहे हो? वो अच्छा है अपने देश में। या तो आप ये मानो कि ना 3 तलाक मुसलमान मर्दों के खिलाफ था, और मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि आप बाकी सब छोड़ो, आप तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी नागरिकता देकर भारत के मुसलमान बनाना चाहते हैं, जिसका चॉइस उनको 47 में था पर उन्होंने नहीं अपनाया। तो दोनों बात मत करो, पर अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि 3 तलाक सजाए आज़ादी, ये 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए, संविधान में विश्वास रखने वालों के लिए, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की वकालत करने वालों के लिए, और हर एक सेक्युलर बाशिंदे के लिए बिल्कुल 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 आज़ादी है। पर ये सज़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने 70 सालों तक मुसलमानों को वोट बैंक के राजनीति में जकड़ कर रखा, क्योंकि आज उनको पता चला है कि बुरखा डालकर मुसलमान महिलाएं जाकर नरेंद्र मोदी समाज सुधारक को वोट डाल रही है, तो इनका वोट खिसकता देख उनके लिए सज़ा बन चुकी है। ज़्यादा राजनीतिक तो बात नहीं कह दी मैंने, स्पॉन्टेनियस तालियां जो हैं ये बता रही हैं कि जो दावा मैंने किया था आपके पिकअप के संदर्भ में वो गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोगों की बहुत दिनों तक कोई एक काम करते रहने से कंडीशनिंग हो जाती है, और क्योंकि हम लोग टीवी डिबेट्स ज़्यादा करते हैं, तो हमारे कानों में जो आप कभी कभार देखते होंगे यहाँ पे एक ईयर पीस लगा होता है, उसके ज़रिए वो हमारी लगाम होती है जिसको खींचा जाता रहता है बार बार। आज मैं बेलगाम हूँ, मैं तो हूँ, ये हमेशा रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कान में मुस्तकिल आवाज आ रही होती है, अरे यार बड़ा ठंडा जा रहा है, कई बार आ रही होती है, यार बड़ा ठंडा जा रहा है यार। और तब हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो शहजाद भाई होते हैं। और लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, मैं ब्रह्मास्त्र तो शाहीन भी बैठी है वहां पे, इलियास शराफुद्दीन, इलियास जी जो यहाँ मौजूद हैं, मुझको बड़ा अच्छा लगा एक बात। और देखिए, जब तक विलोडन नहीं होगा, जब तक चर्निंग नहीं होगी, जब तक मथानी आप मथेंगे नहीं और उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव की रस्सी उस मथानी से होकर गुजरेगी नहीं और आप उसको खींचेंगे नहीं, तब तक आपके देश के लिए जो मक्खन है वो बाहर निकलेगा नहीं। तो इसमें हमको ये समझना होगा कि हमारे पास अगर दूसरी तरह का एक पर्सपेक्टिव है, या तीसरी तरह का एक पर्सपेक्टिव है, या चौथी तरह का एक पर्सपेक्टिव है, मतलब हम उतने समृद्ध हैं विचारों के मामले में। इसलिए कभी भी हमको ये समझना चाहिए, एक मैच्योर नेशन के तौर पर, इवॉल्विंग डेमोक्रेसी के तौर पर, और इस देश के नागरिक के तौर पर, कि कभी भी हमारे मुद्दे पर जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे भिन्न एक विचार हमारे सामने आता है, तो बजाय उसको हमको व्यक्तिगत रूप से लेने के, या बजाय उसको हमारे ऊपर आता हुआ एक हमला देखने के,
हमको उसको बड़े अच्छे से उसका स्वागत करना चाहिए और उसकी विवेचना करनी चाहिए, तथ्यात्मक विवेचना। और मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि शहजाद भाई बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं। किसी एक चीज़ पर आकर बोलने से पहले शहजाद का बहुत अच्छा होमवर्क होता है और हमको कई बार उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है। अभी इलियास भाई से मुझको ये सीखने को मिला कि एक ऐसी बात जिसके एकदम जक्स्टापोज खड़े होते हैं इलियास भाई, उस पर भी अगर उन्होंने, शहजाद भाई ने कोई बात कही है तो इधर तालियों से उसका स्वागत किया जा रहा था। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होती है एक मैच्योर डेमोक्रेसी। और जब इस मैच्योर डेमोक्रेसी में इस तरह के विचार आते हैं और उससे विलोडन होता है तो देश के लिए वो मक्खन निकलता है जो देश को चाहिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विचारों की इस मथानी को हिलाते हैं और देखते हैं कि इलियास भाई के पास इस पर कहने के लिए क्या है। इलियास भाई बहुत स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे हिंदुस्तानी और मराठी भाइयों पर शांति और सलामती नाज़िल। मैं आभारी हूँ सुनील रायसोनी साहब का, मेरे कुलीग और मेरे बड़े भाई अमीश अवस्थी साहब का, दिनेश भाई का और आप सब का कि आपने यहाँ पर इस अच्छे एनर्जेटिक इवेंट को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज किया बल्कि मुझे आमंत्रित किया, इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इन रिटर्न मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कभी हैदराबाद आइए, साथ में बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। खासतौर पर शहजाद और इंद्रलाल सिंह मैम भी, फरहीन आप भी। मैं आपको चंद अहम बातें सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि आज स्वच्छ भारत दिवस है, अभियान दिवस है, अल्लाह हमारे भारत को करप्शन से साफ कर दे रब्बुल आलमीन, अल्लाह हमारे भारत को नफरत से साफ कर दे रब्बुल आलमीन, दूर कर दे, अल्लाह हमारे भारत की नफरत को, करप्शन को और कालेपन को दूर कर दे, काले कपड़ों को नहीं, कालेपन को दूर कर दे, अल्लाह हमारे दिल और दिमाग को साफ कर दे, एकता शांति उन्नति नसीब कर दे, अमेरिका और चाइना से आगे कर दे रब्बुल आलमीन हम सब को। दूसरी बात, मनीष भाई ने कहा कि नेशनल स्टूडेंट पार्लियामेंट है, मेरे को फिक्र हो गई यार, अच्छे खासे बच्चों को पार्लियामेंट कहीं को ला रहे, इनको पढ़ने लिखने दो, नासा भेजो, नए नए कंपनीज डालने दो, नोबेल प्राइज लाने दो, पार्लियामेंट में आके बिगड़ जाएंगे यार बच्चे ये तो। फिर ख्याल आया कि नहीं, कॉलेजेस से ही पार्लियामेंट कहे तो अच्छा है, नहीं तो यरवाड़ा और तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट में लोग आ जा रहे हैं। या फिर पार्लियामेंट से यरवाड़ा को चले जा रहे, तो मेरे को बड़ी फिक्र थी, तो फिक्र दूर हुई कि नहीं, एनर्जेटिक यूथ, फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां से जाएंगे, देश शांति और उन्नति के रास्ते पर रहेगा इंशाल्लाह। आइए मुद्दे की तरफ। तीन तलाक, आजादी या सजा, देखिए जब भी धार्मिक किताबों से हटेंगे तो सजा रहेगी, धार्मिक किताबों के हिसाब से चलेंगे तो आजादी रहेगी। जैसा कि आप लोगों को सिखाया जाता है क्लासरूम्स में, लॉ ऑफ द फार्म एंड लॉ ऑफ द बुक। द लॉ ऑफ द बुक टीचेस यू द बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाते हैं, और लॉ ऑफ द फार्म आप वो प्रिंसिपल्स के तहत जाकर उसको फार्म पर, अपनी सोसाइटी पर, अपनी फील्ड पर इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाकर कुछ निखर कर सामने आता है और क्रैश लैंडिंग्स नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने बुक्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो फिर होता यूं है कि प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं और आगे चलकर सोसाइटी में बहुत बड़ा विवाद, फिर और बड़े प्रॉब्लम्स उसको जन्म लेकर सोसाइटी को बिगाड़ते हैं। ट्रिपल तलाक, कुरान और हदीस को आप प्रिफर करेंगे इस्लामिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, तो सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 230, सूरह तलाक चैप्टर 65 वर्स 1 में ट्रिपल तलाक की कोई गुंजाइश एक सिटिंग में नहीं मिलती, देने वाला इस्लाम के खिलाफ। हदीस के अंदर
ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में कोई गुंजाइश नहीं मिलती, देने वाला इस्लाम के खिलाफ कर रहा है। नहीं करना चाहिए एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक, इस्लामिक सऊदी में मना है, हमारे देश में भी मना होनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर वकालत करता हूं। 56 इंच वगैरह को देख के नहीं, कुरान हदीस को देखकर मैं इसकी पुरजोर वकालत करता हूं कि यह बैन होनी चाहिए। और अच्छी चीज हुई, बैन हुई। तकलीफ इस बात की है कि उसके लिए जो बिल बनाया गया है, उस बिल के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं आपको। बिल में 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, ऑप्शन रखा गया है। 3 साल के लिए बंदे को जेल में भेजेंगे, आसाराम गुरमीत राम की कंपनी में उन्हें पूरे स्टोरी सुन के एंजॉय करेंगे, बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे, जिसके घर का किराया, जिसके घर का खाना पीना, जिसके बच्चों की फीस, एक ट्रिपल तलाक जो दे रहा था उन्हें उठाया, अब अचानक वो चले गया जेल को, हमारे टैक्स के पैसों पे रोटियां तोड़ने फ्री में, और बीवी बच्चे आ गए रोड पर। अब मां बीवी है, पुलिस स्टेशन जाएगी केस दर्ज कराने, या फिर कोर्ट के चक्कर लगाएगी परेशानी में अपने लिए इंसाफ के वास्ते। अब आइए हमारे कोर्ट्स का क्या हाल है देख लीजिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ई अहमद ने कहा था 2006 में, भारत के कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। कितने? जिनको इंसाफ मिलने के लिए 350 साल लगेंगे। कितने साल? तो आज अगर केस दायर होता है तो फिर आप समझ जाइए सही सही में राम राज्य आए तक इंसाफ मिलने वाला है। तो ऐसी हालत में और केसेस आप दायर करेंगे तो मैंने संबित पात्रा और अमीश अवस्थी से कहा था न्यूज 18 में, जब आप कुरान हदीस से हटकर नया कानून लाते हैं तो आप टाइफॉइड हटाकर कैंसर दे देते हैं सोसाइटी। तो फिर करे क्या? सऊदी अरब के अंदर जो बंदा यह हरकत करता है उसको, जैसा शहजाद ने कहा है, कोड़े मारने की पनिशमेंट दी जाती है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बीवी बच्चों के नाम कर दिया जाता है, साथ में उसको कमाने लगाया जाता है और उसकी सैलरी या मंथली इनकम से बीवी बच्चों को एक अच्छी रकम दे दी जाती है ताकि इसको सजा भी मिलते रहे और बीवी बच्चों के घर का राशन पानी और स्कूल भी चलता रहे। तो मेरी गुजारिश मोदी गवर्नमेंट से यह थी कि भाई सुनिए, जेल मत भेजिए बल्कि उसको काम पे लगाइए, उसको पेनल्टी मारिए, लगा तो उसको 2 चौरस्ते पे लाके शिपाशिप दीजिए ताकि एक को देंगे तो 1 करोड़ सुधर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला यह है कि मोदी जी के कानों तक गरीब की बात गई नहीं। कोई गुजरात से दाल और ढोकला पका के 40 साल से इंतजार कर रही आवाज दे रही बिचारी, वो भी आवाज नहीं गई आज तक। तो आवाज जाती नहीं मोदी जी के कानों तक। बिल पास हो गया 3 साल की सजा वाला, ये ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आएगा, सल्यूशन नहीं। ओनस है बीवी के ऊपर केस लड़ने का, और प्रॉब्लम लाएगा। अब ये कहने लगे रुक जाइए, हम मुसलमान महिलाओं का ख्याल रखेंगे, हम उनका राशन पानी चलाएंगे, उनका घर चलाएंगे और उनको स्टाइफंड देंगे और उनके बच्चों की फीस देंगे। तो मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि भारत मालनूरिशमेंट के मसले में 102वें नंबर पर आ गया। 2018 के अंदर 11 लाख भारतीय बच्चों को हमने मरते देखा गिजा की कमी की वजह से। भात भात कहकर झारखंड में एक लड़की मर गई क्योंकि वक्त पर चावल नहीं मिला। जिस देश के अंदर लाखों बच्चे सिर्फ चावल नहीं मिलने से मर रहे हैं, रोटी नहीं मिलने से मर रहे हैं, आप मुसलमान बहनों को स्टाइफंड की बात कर रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है कि हमारे पास चप्पल पहनने को नहीं है, आप बाटा का बड़ा शूज दिलाने की बात कर रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए कि हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, 15 लाख का इंतजार ही रह गया। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार ही रह गया।
कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, काला धन रस्ते में कहीं रुके हुआ है आज तक? कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं भाई, प्रैक्टिकली डिलीवर करने की बात आती है तब पता चलता है 56 इंच का सीना है या नहीं है। डिलीवर डिलीवर कीजिए। आइए दूसरी अहम बात। नहीं, ये कहा जा रहा था कि नहीं भाई, हम भारतीय मुस्लिम महिलाओं को किसी भी हाल हम इंसाफ दिला के रहेंगे। खुशी की बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी की बात है, आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं, जब एक मुसलमान महिला इशरत जहां के लिए लड़ा जा रहा है, शाहबानों के लिए लड़ा जा रहा है, सिसुफरहीन के लिए लड़ा जा रहा है, मेरी गुजारिश है आसिफा, निर्भया और गीता के भी लिए लड़ा जाए प्लीज, प्रियंका रेड्डी के भी लिए लड़ा जाए। मुसलमान बहनों को इंसाफ दिलाते दिलाते हम कहीं आसिफा के रेपिस्टों का साथ तो नहीं दे रहे हैं जो झंडे लगाकर एजिटेशन कर रहे थे? देख लीजिए, मुसलमान बहनों को इंसाफ दिलाते दिलाते कहीं अभी भी चिन्मयानंद की मालिश तो नहीं चल रही? जरा देख लीजिए, मुसलमान बहनों को इंसाफ दिलाते दिलाते सेंगर 14 साल तक हमारे पैसों पे जेल के अंदर पलेंगे तो फिर देख लीजिए। ये वाले इंसाफ की बात मत करिए, सबका साथ सबका विकास की बात करिए, सबको एक साथ देखिए आप और इंसाफ सबके लिए रखिए। अगर इंसाफ एक कम्युनिटी के लिए बात करेंगे और दूसरी कम्युनिटी को छोड़ देंगे तो फिर मैं नहीं समझता हम वो भारत का निर्माण करने जा रहे हैं जो दुनिया में नंबर एक पर आने वाला है। आप ये नंबर एक वाले भारत का निर्माण करने जा रहे हैं तो फिर आप सबका साथ सबका विकास करिए। जैसा कि टीवी डिबेट्स में होता है, बेलगाम होते हैं शहजाद और स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाता है इलियास पर, उम्मीद है वो आज नहीं होगा, फिर भी फॉर द सेक ऑफ विद ड्यू रेस्पेक्ट मनीष भाई, डोंट माइंड इट, लेकिन फिर भी मैं 6 मिनट से बोल रहा हूं 16 मिनट सुनने के बाद। चलिए, यहां पे भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे, देखो यहां पे भी विक्टिम कार्ड प्ले करना है इनको। जी जी जी, आप ये भी अन्याय हो गया आपसे। जी, आप जुल्म मत करिए, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे। अब संविधान की बात भी कुछ, आइए आइए, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं मेरे भैया, सबकी बारी आएंगी इंशाल्लाह, सबकी बारी। सैदा ने कहा संविधान सबसे ऊपर है, तो फिर मैं कहना चाहता हूं भारत का संविधान इक्वालिटी और जस्टिस की बात करता है, फिर सीएए से मुसलमानों को दूर क्यों कर दिया? भारत का संविधान एकता की बात करता है, फिर आपने सब धर्म का नाम लिया और मुसलमानों का नाम लेने से कतरा गए। भारत का संविधान सबको एक नजर से देखने की बात करता है, तो फिर आपने मुसलमानों के लिए चश्मा क्यों बदला? ये बात उठेगी और बराबर उठेगी और उठती रहेगी जब तक इंसाफ ना मिल जाए इंशाल्लाह। आइए, आपने कहा कि मुसलमानों का भारत में हाल बुरा है, क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को बुलाना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कह दूं, भारत में मुसलमानों का हाल बुरा नहीं भाई, राहुल बजाज की सुने तो पूरे भारतीयों का हाल बुरा है इन दिनों। राहुल बजाज कह रहे थे कि हालात सबके लिए ही एक सा है, विकास की तरफ जाते जाते गाड़ी कहीं और जा रही है, इस पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे कह दूं, 4000 साल से भारत ने जब बाहर से लोग आए यूरोप से आर्यन, तो उनको भारत ने अपने सीने अपनी गोद में रख लिया। तिब्बत से बुद्धिस्ट आए, उनको भारत ने रख लिया। पाकिस्तान से हिंदू भाई आए, उनको भारत ने रख लिया। यहूदी आए, उनको भारत ने रख लिया। पारसी आए, उनको भारत ने रख लिया। अब चंद मुसलमान आए तो आपने उनका नाम लिस्ट से हटा दिया। तकलीफ इस बात की है कि आने वाले एपीजे अबुल कलाम की नेशनलिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आने वाले मिसाइल मैन की नेशनलिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और माइक्रोसॉफ्ट के चीफ सत्य नाडेला यही कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि ऐसा भारत का समाज रहे जो सबको शांति उन्नति की तरफ एक साथ लेकर जाए।
किसी एक कम्युनिटी को पीछे ना छोड़े, और मैं इसी की गुजारिश करता हूं सीएए के मसले में। एक बात दो मिनट के अंदर आपके सामने रख दूं, ये देखिए, याद रखिए हमारा जो माइंड है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं रिवॉर्ड सेंट्रिक या पनिशमेंट सेंट्रिक है। रिवॉर्ड सेंट्रिक, हम कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग इंजीनियरिंग में इतनी मेहनत कर रहे हैं ये बोल के मैं खुश कर रहा हूं सिर्फ, बाज लोग वाकई कर भी रहे, राइट? आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिवॉर्ड दिमाग में है आपकी कि आई वॉन्ट टू गेट समथिंग, आई विल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, फॉर माई नेशन एंड माई कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और बाज लोग डर के जो सो मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं करा तो फिर घर जाने के बाद मसला है शाम, खासतौर पे भाइयों से मुखातिब। तो कोई पनिशमेंट के लिए, कोई रिवॉर्ड के लिए काम होता है। इस्लाम के अंदर रूल ये है कि आप अच्छे काम पर रिवॉर्ड दीजिए, गलत काम पर पनिशमेंट दीजिए, डिटरेंट इफेक्ट वाली पनिशमेंट दीजिए। एक को सजा मिलेगी तो सब के सब सुधरना चाहिए इंशाल्लाह, या 90% तो सुधरना चाहिए। अब वो कैसे होगा सुनिए, अगर आप बोलेंगे 3 साल जेल में डाल देंगे तो 3 तलाक रुक जाएंगे, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, बिल पास होने के बाद 3 तलाक के 3 तलाक नहीं रुके, क्योंकि जो सजा का प्रावधान है इफेक्टिव नहीं है। हमारे पास रेप का कानून है, रेप नहीं रुके, क्योंकि जो सजा का प्रावधान है इफेक्टिव नहीं है। हमारे पास मर्डर का कानून है, मर्डर करने वाले को सजा का, लेकिन जो सजा का प्रावधान है इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए ना रेप रुक रहे हैं, ना मर्डर रुक रहे हैं, ना 3 तलाक रुक रही है। फिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, इसके बाद का आपको मालूम है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं सजा का प्रावधान ऐसा हो कि अगर एक को सजा मिले कई लोगों को उसका सबक मिले। इस्लामिक सऊदी अरब के अंदर वर्ल्ड में सबसे कम क्राइम रेट होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राज्यसभा मेंबर भी हैं, डिबेट में बता रहे थे, अनिला मेरी बात से इत्तेफाक करेगी मैं समझता हूं, मैम अनिला मैम, तो सबसे कम क्राइम सऊदी अरब में होते हैं। क्यों? वहां पर प्रोपोर्शनेट है, जैसा क्राइम वैसी सजा। तो आप 3 तलाक हो, रेप हो, मर्डर हो, जैसा क्राइम वैसी सजा लाइए, तो इंशाल्लाह आसिफा भी बचेगी, फरहीन भी बचेंगे, निर्भया भी बचेगी इंशाल्लाह। सुन, अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे चिन्मयानंद को हॉस्पिटल के एसी रूम में भेजेंगे और बच्ची को जेल भेजेंगे तो फिर पार्लियामेंट से और चिन्मयानंद पैदा होंगे। ऐसा मत करिए मेहरबानी करके, आप सजा का प्रावधान स्ट्रांग लेकर आइए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। बुक्स को रिफर करिए, इस्लामिक सऊदी की केस स्टडी हमारे सामने है, उसको स्टडी करिए, इंप्लीमेंट करिए। सांप भी मरे और लाठी भी टूटे ना टूटे, वरना होगा ये कि टाइफाइड हटाएंगे और कैंसर लेकर आएंगे। तो ऐसा मत करिए, सोसाइटी को डिस्टर्ब मत करिए। और एक चीज मैं बता दूं आपको, नेशनल स्टूडेंट्स पार्लियामेंट देख के अंदाजा हुआ, काश हमारी भी पार्लियामेंट ऐसी रहती। हमारी पार्लियामेंट के अंदर सच बात करते वक्त या कोई भी बात करते वक्त जो उमूमन माहौल रहता है, मुझे यकीन से कहना पड़ता है प्लीज पहले सर्टिफिकेट्स चेक करके पार्लियामेंटेरियन बनाइए। और सर्टिफिकेट के साथ साथ वो ईयर का ग्रुप फोटो भी देखिए, बंदा था या किसी और को बिठा के सर्टिफिकेट निकाल लिया, तो जब जाकर पार्लियामेंट भी सही रहेगी, देश भी सही रहेगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने शहजाद से सवाल करते वक्त स्टॉप वॉच नहीं लगाई थी, और जब 16 मिनट वर्सेस 6 मिनट मैंने सुना तो मैंने सोचा कि अब ये कर लेना चाहिए, ताकि कम से कम मेरे पास भी कहने के लिए हो कि क्या ये सही था, या आपने एक ऐसी जगह पे ब्लैंक खेला है जहाँ पे अब मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल, ये दो बातें जो अभी आईं कि एक 3 तलाक को, तो खुद हमारी जो किताबें हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो ये कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, तो 3 तलाक को बंद किया जाना चाहिए था और इसका वेलकम किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो उठाया गया वो ये कहा गया कि 3 तलाक पर, लेकिन जो 3 तलाक पर फिर भी नहीं मान रहे हैं उनके लिए आप सजा क्या मुकर्रर करते हैं,
क्या उसके लिए आपने जो प्रोविजंस रखे हैं वो ठीक हैं? अब इसको लेकर दो नजरिए हैं। एक तो ये कि जो प्रोविजंस हैं क्या उनको पहले ही बार में अपने एब्सोल्यूशन में पहुंच जाना चाहिए, जहां आप इसको ये कहें कि अब ये सिक्का बंद तरीके से सब कुछ ठीक हो गया। क्या हम कभी भी सीधे फ्रॉम निल टू एब्सोल्यूशन पहुंच सकते हैं क्या, या बीच में कई पड़ाव होते हैं जिनसे गुजरते हुए हर चीज एक इवॉल्विंग स्टेज में होती है और वो फाइनलिटी को हासिल होती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कम से कम हम वहां से आगे बढ़े जहां हम थे, जहां मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों में जिस कुरीति को बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान ने तो आजाद होने के 10 साल के भीतर भीतर 1956 में बंद कर दिया था ट्रिपल तलाक को, क्या हम वहां से आगे बढ़े? इस बात पर हमें खुश होना चाहिए, या हम आगे तो बढ़े लेकिन आगे बढ़ने के साथ हमने वाकई टाइफाइड को ठीक करने के लिए कैंसर जैसा कुछ आमंत्रित कर लिया, क्या ऐसा है क्या? दूसरी बात जो इसके साथ हम जुड़ी हुई मुस्तकिल चीजें देखते हैं, जैसे इसका जब जिक्र आता है तो इसको एंटी पर्टिकुलर कम्युनिटी बताने की कोशिश होती है कि आप कर तो रहे हैं लेकिन साथ में आप विंडिक्टिव होके कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को अलग करके देख रहे हैं, आप मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, इसीलिए CAA में आपने जो प्रावधान किए वो प्रावधानों का जिक्र है। लेकिन इस बात का पार्लियामेंट में बाकायदा गृहमंत्री की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया था कि क्योंकि जिन मुल्कों के अल्पसंख्यकों को अपने यहाँ शरण देने की हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा अगर वो परसिक्यूटेड हैं, अगर वो प्रताड़ित हैं, तो उनको हम अपने यहाँ शरण देंगे। मुसलमानों के संदर्भ में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के लिए भी ऐसा नहीं है कि हमने इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर दिया है इस प्रोविजन में। विशेष परिस्थितियों में अगर मुस्लिम धर्म के हिसाब से चलने वाले उन मुल्कों में जहां मुसलमान अधिसंख्य हैं, वहां का कोई एक मुसलमान खुद को प्रताड़ित बताता हुआ हमारे पास आता है तो उसकी जांच परख करने के बाद उसको भी हम अपने देश में लेकर आएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि बाहर के मुल्कों से जहां पर मुसलमान बहुसंख्य हैं आए हुए किसी व्यक्ति को हमने इसके पहले अपने यहाँ नागरिकता नहीं दी है। तो क्यों इसको लेकर एक खास तरह का ख्याल यहाँ बनाकर, उसकी दलील देकर, उसमें ट्रिपल तलाक भी जोड़कर, बाकी सारी चीजों का एक घोल मोल सा बनाकर एक पेश कर दिया जाता है? और क्या हम एज अ नेशन, एक बात जो अभी कही गई अजीमुद्दीन साहब की तरफ से कि ये जो पार्लियामेंट है ये बहुत सुसंस्कृत दिखाई दे रही है, उस पार्लियामेंट में न जाने क्या होता है, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम सुनिश्चित करें कि वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन और जो जरूरी अहर्ताएँ हैं, योग्यताएँ हैं, वो पूरी हों। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों हमारे लीडरान ऐसे होते हैं, क्यों हम कभी किसी एक रस्टिक अनकूत आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहाँ भेजते हैं? क्या वो मंगल ग्रह से भेजा जाता है ये बताकर कि वो हमारा लीडर होगा? हम आप जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, उसके लिए वोट देते हैं। तो असल में जड़ कहाँ है? जड़ हम लोग हैं, हम चुनते हैं उनको, हम उसके बारे में अपनी मानसिकता बनाते हैं कि हमारे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। वो एक बहुत काबिल आदमी हो या हमारी जुबान में हम कह लें कोट अनकोट किसी गधे को हम भेज दें, लेकिन हम ये भी तो देखें कि वो कौन है जो भेज रहा है उसको वहाँ, हम हैं जो भेज रहे हैं उसको वहाँ। तो बजाय उसकी तरफ उंगली उठाने के, ज़रा हम ये भी तो देखें कि हम में से कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो एक मुद्दे को उसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो उस पर चर्चा करके आखिरकार एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की स्थिति में आते हैं कि अच्छा अब इसको मैंने हर एक एंगल से मुद्दे को समझ लिया, अब मेरे समझ में आता है कि ये करना ठीक होगा और ये करना ठीक नहीं होगा। कितने लोग हैं हमारे यहाँ, कौआ कान लेकर अगर उड़ जाता है तो हम कान को हाथ नहीं लगाते, हम कौए के पीछे दौड़ लगाते हैं। अगर हमारे यहाँ किसी मूर्ति के दूध पीने की खबर आ जाती है तो हम चम्मचों में दूध लेकर दौड़ जाते हैं। हम कितनी बार किसी एक विषय पर अपनी धारणा को ज्ञान अर्जन के बाद पुष्ट करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अधिकांश बार, 99% बार तो हम लोग ऐसा नहीं करते। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा, और अगर एक सिटीजन के तौर पर हम ये समझने लगें कि किसी भी बात पर दोष देने के पहले अपने घर में अपने माँ बाप को, अपने स्कूल में अपने टीचर्स को, अपने शहर में अपनी सड़कों को, या वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको, या अपने देश के हुक्मरानों को, या अपने समाज के लोगों को, किसी को भी लीडरान को दोष देने के पहले हम ये देखें
इसमें हमारी भूमिका क्या थी और क्या हमने उसको अच्छे से निभाया है। अगर हम ये कर लेंगे तो यकीन जानिए हम मरहम पर फिर मरहम को घाव पर लगाने लगेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जहां पर घाव है ना उसको छोड़कर सब जगह पट्टी करते हैं, यहां कर ले घाव वैसे ही रहता है और नासूर बन जाता है। तो हम अगर मुद्दों को समझकर पहले ये समझ लें घाव ये है, इस घाव के लिए मरहम ये है और उसको अप्लाई करने लगेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हम ठीक हो जाएंगे तो हमारे ही जैसे लोगों से तो मुल्क बना है, मैं एक यूनिट हूं, आप एक यूनिट है, आप एक यूनिट है, अगर हम एक यूनिट के तौर पर संभलने लगे तो देश संभल गया, यही तो देश है। लेकिन किसी एक मुद्दे पर, और इसीलिए ये मैं कहता हूं कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं इनका स्वागत किया जाना चाहिए जिसमें मुद्दे को समझने के तमाम पर्सपेक्टिव मिलते हैं और हम अपनी धारणा को पुष्ट कर सकते हैं। अनिला जी के पास चलते हैं। अनिला जी खुद एक महिला हैं, रूलिंग पार्टी को की स्पोक्स पर्सन है, आइए देखें वो इस मुद्दे पर क्या समझ रखती है। मैम धन्यवाद दिनेश जी। अपनी बात की जो मैं शुरुआत करूंगी तो कहूंगी कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मनीष जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि रायसोनी ग्रुप में जो इतना सुंदर अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया है स्टूडेंट पार्लियामेंट, उसका हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद करूंगी मैं आरती जी का, अमृता जी का, जिन्होंने लगातार मेरे संपर्क में रहकर पूरी ये कोशिश करी कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो, और दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। बहुत देर से मैं चर्चा सुन रही थी, कोई 16 मिनट की दुहाई दे रहा था, कोई 6 मिनट की दुहाई दे रहा था। मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोच रही थी इस पैनल पर हम दो महिलाएं हैं, तीन पुरुष हैं, तीनों पुरुषों ने शुरुआत करी और खूब मन खोल कर बोला और हम दो महिलाएं चुप होकर बैठे हुए थे और अपने इंतज़ार कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि मौका दे दो भाई, हम भी बैठे हैं पैनल पे, शायद हम भी कुछ बोल लें। 6 और 16 मिनट ना बोलें तो 3 मिनट तो बोलने का मौका दे दो। खैर मौका मिला, उसका मैं धन्यवाद देती हूँ दिनेश जी का। आज का जो सब्जेक्ट है 3 तलाक, सजा या आज़ादी, तो मैं किस तरीके से, किस परसेप्शन में इसको देखती हूँ, जब मैं सजा शब्द देखती हूँ तो जो ये एक्ट आया मुस्लिम विमेन एक्ट जो आया 2019 का, तो उससे पहले ये सजा थी मुस्लिम महिलाओं के लिए जब उनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया जाता था, और आज़ादी होती थी मुस्लिम पुरुषों के लिए कि भाई हम आज़ाद हो गए, चलो तुम्हारी सूरत ख़राब हो गई है, तलाक तलाक तलाक, घर पे बैठो, बच्चों को लो, गेट से निकलो, गेट आउट, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, निकल जाओ गेट से। और जब ये एक्ट आ गया तो ये उल्टा हो गया, आज़ादी हो गई हमारी मुस्लिम बहनों के लिए और सजा हो गई ऐसे मुस्लिम पतियों के लिए जिनको अगर मटन अच्छा नहीं बना तो तलाक तलाक तलाक, तुम्हारी सूरत बेकार, तलाक तलाक तलाक, नहीं चलेगा। जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया तो मैंने सोचा शायद ट्रिपल तलाक पे बात होगी और बहस जो होगी, जो प्रश्न उत्तर होंगे बहुत कंस्ट्रक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। मुझे नहीं पता था कि इलियासी साहब बैठकर यहाँ पर पूरे पुरजोर कोशिश करेंगे कि भारत एक इस्लामिक देश बन जाए और यहाँ पे शरिया कानून लागू हो जाए। जनाब यहाँ का धर्म, यहाँ का संविधान है, याद रखिएगा यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, केवल शरिया नहीं चल सकता है। दूसरी बात यह है, मैं सुन रही थी बड़े खामोशी से और बहुत धैर्यपूर्वक सुन रही थी क्योंकि मन बड़ा बेचैन हो रहा था, ऐसी ऐसी ये बात कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत में पार्लियामेंट, अरे मैंने सोचा पार्लियामेंट शब्द है तो ये युवाओं के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है, क्यों इतनी एलर्जी है पार्लियामेंट से आपको, ऐसे पार्लियामेंट ने ऐसा आपके साथ क्या जाति कर दी, ये जाति कर दी कि तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं आई, तलाक 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 बंद, ये परेशानी है। अगर ये परेशानी है तो लगातार होती रहे इलियासी साहब, मुझे खुशी होती है ऐसी परेशानी देखकर। आप कहेंगे सैडिस्टिक प्लेजर, तो आई एंजॉय दिस सैडिस्टिक प्लेजर। देखिए मैं ये बात करती हूँ अपनी भारत माता की बात करती हूँ, ये वो धरा है, यहाँ की हवा पानी खाने में ये है, और जो संस्कृति है हमारी ये रही है कि यहाँ पे नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है, यानी कि शक्ति नारी और नारी शक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर शक्ति नहीं है आपके पास आप 2 कदम चलकर तो दिखा दो। ये वो धर्म है, वो संस्कृति है जहां पर नारी को बराबर का हिस्सा और अधिकार दिया जाता है, हवन यज्ञ पूजा
कोई पूरी नहीं होती है अगर नारी शक्ति उसमें सम्मिलित ना हो। तो जनाब अपने आप इस्लाम पे देखिए, कुरान की दुहाई दीजिए बैठे बैठे, पर जो दूसरे धर्म में और संस्कृति में अच्छी चीजें उनको भी अपनाने का आप प्रयास करिए, खुश रहेंगे। मैं अभी इन्होंने गिनाए बहुत सारी चीजें गिनाई कि भारत वो धरती है यहाँ पर यहूदी आए, पारसी आए, क्रिश्चियन आए, ये आए, वो आए, सबको इन्होंने अपने बहुत खुशी खुशी जो है सबको लिया, पर पता नहीं मुसलमानों से क्या परेशानी है। अभी अभी इन्होंने कहा, जिसमें बाद में इन्होंने CA लगा दिया। CA पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ का जो विषय है वो ट्रिपल तलाक है। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग आए और हमने खुली बाहों से उनका स्वागत किया, क्योंकि हम लोग कहते हैं, हमें सिखाया गया, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है वसुधा कुटुंबकम। हम पूरी धरती को, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं और परिवार में जो जितने सदस्य होते हैं उनका मान सम्मान करते हैं, तलाक 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 करके बाहर का दरवाजा नहीं दिखा देते हैं। पर हर संस्कृति में ऐसे रीत रिवाज होते हैं जो कि मैं कहूंगी कि मानवता को शर्मसार करते हैं। मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करती हूँ, हर धर्म में होते हैं, हर संस्कृति में होते हैं। जब बालक अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, जिस जगह वो पैदा हुआ है, वो संस्कृति भी होती है, और उस संस्कृति में कई बार ऐसे रीत रिवाज होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए और ये समाप्त हुए हैं। हमने देखा है, कालचक्र में देखा है, इतिहास गवाह है। जैसा कि दिनेश जी ने भी कहा, चाहे वो राजा राममोहन रॉय रहो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, बिल्कुल ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ऐसी जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त किया है। पर इस कुरीति जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसको समाप्त किसने किया? उसको समाप्त एक ऐसे नेता ने किया जिसको जी भर भर के इलियासी साहब जैसे लोग गालियां सुनाते थे, आरोप लगाते थे कि इससे बड़ा कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन करने वाला नेता इस धरती पर, भारत की धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। उस नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से आजादी दिलवाई मुस्लिम बहनों को, उसकी तारीफ नहीं करेंगे। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इलियासी साहब कि अरे हिंदू बहनों का भी तो जरा ख्याल रखो, सीमा रेखा का भी तो ख्याल रखो, क्यों फरहीन और सायरा बानो का ही क्यों ख्याल रखते हो? जनाब हम तो सबका ख्याल रखते हैं, और आपने सुना होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उससे पहले जो था, जो हिंदू समाज के जो पति थे वो एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, और इस एक्ट आने के बाद पाबंदी लग गई, एक से ज्यादा शादी नहीं करोगे, करोगे तो जेल जाओगे। यही संविधान है जिसने एक्ट बनाया, अगर दहेज लोगे तो जेल जाओगे। तो यहां पर हमने अनीला, रेखा, सीमा सबका ख्याल रखा है, और अब सायरा, शायरा और फहमीन का भी ख्याल रख रहे हैं जिनका ख्याल आप नहीं रख पाए। राजनीति की भी बात कर रहे थे। देखिए मैं अभी, दिनेश जी सोच रहे होंगे कि शहजाद को टाइम दे दिया, इलियासी साहब को टाइम दे दिया, नीला को टाइम दे दिया, खूब बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम टीवी डिबेट पे बैठते हैं ना 20 सेकंड भी नहीं पूरे हो पाते, इतने हमारी बात काट दी जाती है। तो मैं आज लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया हमको, इतना बोलने का मौका मिल रहा है, खुशी जो है ना समा नहीं पा रही है हमारी। खैर देखिए, अभी इन्होंने पॉलिटिक्स की बात करी, राजनीति की बात करी, तो आप सब लोग युवा हो, मिलेनियन किड्स जो बोला जाता है, तो मैं आपको बताऊं राजनीति जो है कैसे अच्छी और कैसे गंदी होती है। जो आरोप लगाया जाता है ना, देखिए नागपुर है हमारा, RSS का हेडक्वार्टर है, मेरे लिए तो ये तीर्थस्थली है नागपुर, मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि यहाँ पे आमंत्रित किया मुझे रायसोनी ग्रुप ने। तो और इस भूमि का कमाल देखिए, ऑटोमेटिकली इलियासी साहब राइट साइड बैठ गए, राइट विंग के हो गए आज। हम लोगों को राइट विंग कहा जाता है, अपने आप को लेफ्ट विंग का कहलाते हैं और आज राइट साइड बैठे हुए हैं। ये नागपुर की धरती का कमाल है। तो मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं राजनीति, क्योंकि मैं BJP की प्रवक्ता हूं, इस नाते मुझे बताना आवश्यक हो जाता है, जब राजीव गांधी जी की सरकार आई थी 400 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके पास, एक
64-65 वर्ष की वृद्धा शाहबानो, बहुत बुजुर्ग, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। मुकदमा लड़ते लड़ते बेचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि वाकई में जाति हो रही है और एक फैसला किया, और वो फैसला ऐसा था कि मुस्लिम बहनों को जो एक एलमनी होती है वो दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, ये सब हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। कुछ दिन तो राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त बड़े खुश हुए, अरे कहते वाह हमारी सरकार के टाइम पे क्या फैसला आ गया। फिर जो स्वयंभू उलेमा होते हैं मौलाना मुफ्ती पहुंच गए, जी वोट हमारी चाहिए तो इसको जो है ख़त्म करो, मुस्लिम बहनों को कैसे इतना न्याय मिल सकता है, वो कैसे हमसे दबके नहीं रहेंगी, हमारी जो पत्नियां हैं वो उनको इतना अधिकार कैसे मिल सकता है। और यही राजीव गांधी, यही कांग्रेस पार्टी जो है पार्लियामेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के हक में था उसे खत्म करवा दिया। इसको वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिनके ऊपर लगातार लगातार ये आरोप लगता है कि ये कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं दूसरे के साथ नहीं खड़े होते हैं, और जिनके जिसके लिए आरोप लगाया जाता था कि इनके साथ खड़े नहीं होते हैं, उन्हीं बहनों की लड़ाई लड़ी, लगातार लड़ी और जीत हासिल करी। तो आप मुझे बताइए राजनीति और वोट बैंक की राजनीति खासतौर से कौन करता है, कांग्रेस करती है कि बीजेपी करती है? राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, डरते नहीं है नरेंद्र मोदी जी। आपने 56 इंच की छाती का जिक्र किया ना, एक शेर ने कर दिया सबको ढेर, और वो व्यक्ति ऐसा है जो बिलीव करता है, विश्वास करता है इस चीज में कि लहरों के डर से नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं इलियासी साहब, आप कभी उनके अनुयायी बनके तो देखिए, आपका जीवन तर जाएगा। और हाँ, और एक बात और, अभी 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 ये हवाला दे रहे थे कि जो मेल न्यूट्रिशन इंडेक्स में भारतवर्ष जो है 104 पोजीशन पे आ गया है, 102 पे आ गया, चलिए मेहरबानी दो पोजीशन बेटर कर दिया। तो मैं केवल इतना कहती हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, पर आप जैसे जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, अल्लाह की देन वाला फॉर्मूला ख़त्म कर दीजिए, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अल्लाह की देन वाला फॉर्मूला खत्म कर दीजिए, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। पॉपुलेशन तो आपकी ज्यादा बढ़ी, क्यों बेचैन हो रहा? अरे हम तो हैं 80%, उसमें कौन सी बात है, भारत में भारतवासी हिंदू 80% है और गर्व से कहते हैं भारत माता की, भारत माता की। I love you all. एक बात और कहूंगी, उसके बाद मैं बात अपनी समाप्त करूंगी, क्योंकि ये विषय है तीन तलाक, सजा या आजादी। तो यहां पर जितनी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से मैं कहूंगी, बहुत सारे मेरे बेटे भी बैठे हुए हैं, मेरे भाई भी बैठे हुए हैं यहां पर। देखिए ऐसा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, अबला अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। पर मैं इस पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास इस चीज पे करती हूँ, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, खुददारी अपने अंदर रखती हूँ, स्वाभिमान से जीती हूँ, मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि यह सुनने के बाद इलियास शराफुद्दीन बन सकते हैं अनुयायी। एक्चुअली देखिए, यह भी आवश्यक होता है कि जब हम किसी एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें सतत रूप से चर्चा में बीच बीच में इस तरह का जोश भी आता रहे, क्योंकि अगर वो एड्रेनलिन पंप नहीं होता रहेगा बीच बीच में, जो मैं कॉफ़ी के जरिए अपने आप में पंप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मामला शांत होने लगता है।
ये अच्छा है कि हम एक दूसरे पर कभी हल्की सी फिरकी भी ले लें, मसलन कभी 56 इंच की चर्चा ये करें तो कभी इधर से बात हो जाए कि हम आप अनुयायी बन जाएं तो अच्छा होगा। और ये भी अच्छा है कि हम भारत माता की जय के नारे लगाएं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस देश ने पूरी दुनिया में मान और प्रतिष्ठा के न जाने कितने झंडे गाड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में हमको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि, और मैं इसको एक, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो जीवन में भोगा हुआ हो उसी से नतीजे निकालने चाहिए, जो साईं बाबा की स्तुति में भी कहा जाता है कि अनुभव करो सत्य पहचानो, तो आप अनुभव कीजिए और सत्य पहचानिए। होता क्या था कि मेरी पत्नी से कई बार मेरा कुछ एक विषयों में जब मतभेद होता था तो मेरी एक आदत है, वो स्वभावगत आदत है कि सही होने के बावजूद, मेरा स्टैंड ठीक होने के बावजूद, मैं बातों को आक्रोश में कहता हुआ, और कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ एक शब्द ऐसे निकल जाते थे जो नहीं निकलने चाहिए, जिससे संबंध प्रभावित होते हैं। होता क्या है, जैसे ही आप आक्रोश में आए या आपने कोई अपशब्द इस्तेमाल कर लिया जिसको उसकी सुपरलेटिव डिग्री में गाली भी कहा जा सकता है, तो मुद्दा हो जाता है गौण, मुद्दा चला जाता है ताक में, आप असल में उस मुद्दे पर सही थे या गलत थे ये एक तरफ हो जाता है, और तुमने तो गाली दी, तुमको तो बात करने का तरीका नहीं आता। तो मैंने फिर बाद में ये सोचा यार कि कई ज्यादातर विषयों पे मैं सही होता हूं, मेरी गलती सिर्फ ये होती है कि उसमें मैं कई बार, और मैं ये ग्रांटेड मानते हुए कि यार ये तो मेरी है, इसको तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, ये ग्रांटेड कई बार जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, देखिए जहां तक ये इन लोगों की वेवलेंथ आपस में बहुत अच्छी मैच करती है, मैं बता सकता हूं आपको, अगर निंदक नियरे नहीं रखे गए होते इस देश की संस्कृति में तो कभी कबीर कबीर नहीं होते। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए। और रामायण भी ये कहती है कि सचिव बैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर कोई सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक आपकी स्तुतिगान और आपकी चालीसा पढ़ता रहेगा तो ये आपके लिए खतरनाक है। अगर कोई आपको बीच बीच में आकर टोकता रहेगा ये ठीक नहीं है, तुमने ये गलत कर दिया, देखो सेंगर के साथ क्या किया ये तो ठीक नहीं था, चिन्मयानंद क्या कर रहा है ये तो, हो सकता है कि कई बार अतिरंजना हो जाए, कई बार आप ये दिखाने की कोशिश करें कि पूरी चादर काली है, वस्तुतः वैसा नहीं है, कई जगह कुछ छोटे मोटे दाग हैं और उनको सप्रयास धोया जा सकता है, लेकिन इधर से क्या कह दिया जाता है, अरे आपकी चादर मैली है, देखिए उधर सेंगर और चिन्मयानंद ने, तो उधर से क्या आता है, अरे साहब अगर हमारी मैली है तो आपने तो सिलवाई ही काली है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मुख्य मुद्दा है वो गौण हो जाता है, वो बैक सीट ले लेता है, और आपस में फिर वो बातें आ जाती हैं जो मैंने बताया आपको उदाहरण के तौर पे। लेकिन क्योंकि यहां पे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं इसलिए आपको वो मैच्योरिटी दिखाई दे रही है कि ये 56 इंच भी कह ले रहे हैं, ये अनुयायी होने की बात भी कह ले रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने 56 इंच कही तो ये बहुत शांति से सुनती रही, जब इन्होंने अनुयायी या प्रवर्तक हो जाने की बात कही तो ये भी चुपचाप सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है मैच्योरिटी, और मैं ये देख के गदगद हूं कि धीरे धीरे न सिर्फ ये मैच्योरिटी मंच पर दिखाई देती है, डिबेट्स, देखिए डिबेट का एक अलग, जो टीवी डिबेट की जिसकी चर्चा अनिला जी अभी कर रही थी, देखिए वो एक दूसरे तरह का बॉल गेम है, दैट इज टेलीविजन, दैट इज न्यूज इंडस्ट्री, इट इज नॉट ओनली न्यूज, इट इज एन इंडस्ट्री, when it is an industry it has got you know market players also around it, so it is not that I would not say that whatever you are looking at is all you know a market gimmick, there are substances there is something like information to be imparted with the audience, lekin usme aapko, aur aap sab itne prabuddh hain ki aap samajhte hain ki usme saath mein kya cheeze jo hoti hain वो आइसिंग ऑन द केक के लिए की जाती हैं, और उसमें हमको कई बार हम लोग जो ऊपर की शक्कर होती है वो हटा के केक अपने मतलब का ले लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो अभी जब इलियास भाई कुछ कह रहे थे, आदत ओरिएंटेशन जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, आदत हो जाती है,
तो बीच में शहजाद भाई का हाथ उठा यूं। तो पहले मैंने देखा, फिर मैंने समझा कि ये ओरिएंटेशन की बात है, टीवी डिबेट में होता है, हमारे पास वक्त लिमिटेड होता है, बीच में ब्रेक्स होते हैं, उधर से ये आदेश होता है कि देखो इसके अंदर अंदर निपटाना है, और नहीं नहीं वो वाले अभी देखो फरहीन तक अभी तक तुम नहीं गए यार, अगली बार से वो गेस्ट आएगी नहीं, फिर तुम देखना क्या करना है। इस तरह की चीजें भी होती हैं यार। शहजाद बहुत बोलते हैं, वो तो बोल चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, अब आगे भी तो जाओ, ये भी होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग, आपने ये भी देखा आपस में कि जैसे शहजाद भाई ने अजीम भाई को कुछ कहा और इधर से इलियास भाई ने उनको कुछ कहा, और ये भी हमने देखा है कि बाद में ये पूछते हैं कि अरे कॉफी तो पी लेते, आपने तो ठंडी कर दी। जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो कई बार ये हाथ मिलाते हैं इनसे और बोलते हैं कि यार इस बार हैदराबाद आए थे तो बगैर मिले चले गए। आज तो हम लोग सारी, आज मैं पेपर लीक कर दे रहा हूँ और शायद अनिला जी इसी बारे में कुछ कह रही हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ आज सारी पोल पट्टी खोल के रहेंगे दिनेश जी कि डिबेट्स कैसी होती है। मुझे लगता है कि जब कभी किसी के भी सामने आप पूरे तौर पर वैसे आ जाते हैं जैसे आप हैं, मर्यादा होनी चाहिए, वैसे नहीं आ सकते जैसे आप हैं, उनको भी ये मालूम है कि ये आपने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये मर्यादा है। मर्यादा में आप अपने को जो छिपाते हैं, ढकते हैं, वो ठीक है, लेकिन जहां आप किसी चीज को कंसील करते हैं, जहां आप डिसीट करने की कोशिश करते हैं, जहां आप सामने वाले को बेवकूफ बन, वो एक मिनट में समझ में आता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ना तो हमको एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव ऐसा करना चाहिए, और ना किसी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक या मास कम्युनिकेशन के धंधे में है, काम में है, उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि समझ में सब आ जाता है। और मुझको ये मालूम है कि अगर साफ गोई से आप कभी भी किसी के सामने कुछ भी जाके कहो, आपसे गलती बेशक हुई हो, मैं जानता हूं कि हम लोगों की तरबियत ऐसी है और हम लोगों का डीएनए ऐसा है कि एक मिनट में गुस्सा काफूर होता है और गले लगा लिया जाता है। और इस देश की संस्कृति के बारे में, यहां की जड़ों के बारे में, यहां की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में, छिंदवाड़ा में बहुत सारे मित्र जो हैं मेरे, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी ये चर्चा ही नहीं होती कि जब मैं मंदिर जाता हूं, अगर वो मंदिर नहीं जाता तो बाहर खड़े होकर इंतजार कर लेता है, मैं जाता हूं, अगर मैं अंदर जा सकता हूं तो मैं अंदर जाके उनको प्रणाम कर लेता हूं, मैं इंतजार कर लेता हूं। और तब जबकि अब शादियां होने लगी हैं इस तरीके से कि अब उसमें परिपाटी नहीं चलती, उसमें पसंद चलती है, मैं इसको पसंद करता हूं, प्यार करता हूं तो शादी करूंगा, और जो रिश्ता मित्रता का होता है वो थोपा हुआ नहीं होता, वो आपको पैदा होते ही पता नहीं चलता कि ये जो है मेरा चाचा है। मित्रता का रिश्ता हम अक्वायर करते हैं। तो जहां मित्रता मेरी पसंद ना पसंद है, वहां इस देश का जो भाईचारा है उसमें कभी कैसे संकट आ सकता है। एक हिंदू धर्म असल में धर्म नहीं है, एक नजरिया है, ये कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। सबको समाहित करना हमारा स्वभाव है, ये भी स्पष्ट किया जा चुका है। और दूसरा, हम एक दूसरे में शक्कर जैसे दूध में घुली हुई होती है, ऐसे घुले हुए हैं कि इसमें कभी कोई कुठाराघात होगा ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक समाज के तौर पर हमको अपने घर से कौन सा कचरा अब इसमें निकाल के बिन में फेंकना है, अपने घर में कौन सा फूलदान कहाँ सजाना है, ये हमारा घर है, हमारा देश है, उसी तरीके से हमको इसको रखना है। जो एक चीज थी ये बहुत पुरानी हो गई, इससे बहुत प्यार है, दादाजी के जमाने की छड़ी थी, लेकिन अब अगर ये आवश्यक नहीं है, किसी एक जगह सजा कर रखी जा सकती है तो उसको रख दिया जाएगा। इतनी सी बात मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे इसके इतर गंभीर होते हैं, जो भोगता है उसको पता होता है। और ऐसा ही एक भोगा हुआ सच है ट्रिपल तलाक का, फरहीन के संदर्भ में। फरहीन जिन्होंने ये देखा और उसके बाद ये क्रूसेडर बनी, आइए समझें, उनकी निगाह से देखने की कोशिश करें कि ये पूरा मुद्दा है क्या और क्या हम समाधान की तरफ बढ़ चले। ओवर टू यू फरहीन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लोशानी ग्रुप इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मनीष सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा दर्द साझा करने के लिए मुझे मंच दिया। और साथ साथ में मुस्लिम महिला राष्ट्रवादी संघ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।
देखिए हम महिलाएं जो हैं, हम महिलाएं खुद को पाबंद रखती हैं, तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चलो मोहब्बत का यही अंदाज रखते हैं, खुद को पाबंद करते हैं, तुम्हें आजाद रखते हैं। शायद यही वजह है, इसी वजह से आज हम लोग दबाए जा रहे हैं, हमारी सोच ने ही हमें दबाया है, हमारी सोच की वजह से ही हम दबाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमको दबाया गया है। मैं 3 तलाक विक्टिम हूँ, और जो शायद मैंने जो मुझ पर गुजरा है वो मैं बयान नहीं कर सकती, मैंने जो दुख झेला है, और फिर हमें शरिया का हवाला देकर और भी ज़्यादा दबाया जाता है, हमसे कहा जाता है कि शरिया की जो कानून है उस पर चलो, उसको फॉलो करो आप, लेकिन अगर शरिया ने 3 तलाक के लिए कोई सजा बना दी होती आज से पहले, तो आज मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़ता। अगर शरिया इससे पहले कोई सजा लेके आता, किसी को सजा दी होती, तो मुस्लिम महिलाएं अपने घर से बाहर ना निकलती, दहलीज पार ही ना करनी पड़ती उनको। सबसे पहले मैं भाजपा सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उसने मुस्लिम महिलाओं के लिए ये पहल की है। कम से कम एक मुस्लिम विरोधी सरकार का टैग लगा होने के बाद भी उसने मुस्लिम महिलाओं का ध्यान दिया है, और शायद ये इसलिए हुआ है कि उसने मुस्लिम महिला को मुस्लिम महिला नहीं बल्कि एक सिर्फ महिला समझा है। हम भी देश की आधी आजादी है, और हमें भी आजादी मिलनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने जो ये बनाया है, कानून बनाया है, जो 3 तलाक के लिए कानून आया है, ये आजादी ही है, आजादी की एक शुरुआत है, ये इसको मैं शुरुआत मानूंगी। कम से कम मुस्लिम महिला की आवाज को सुना तो गया, लेकिन इसके साथ साथ इतना होने के बाद मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी, कुछ बताना चाहूंगी कि इसमें जो कमी है उनको दूर किया जाना चाहिए। मुस्लिम जो कानून बना है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन उसमें अभी कुछ बिल में जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर एक महिला अपनी FIR दर्ज कराने थाने जाती है, तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि आप गवाह लेके आओ, उसको अकेले में तलाक दी गई है या फोन से तलाक दी गई है, शायद व्हाट्सएप से या फेसबुक से दी गई हो तो वो दिखा सकती है, लेकिन अगर उसको फोन कॉल से तलाक दी गई है या फिर उसको अकेले में तलाक दी गई है, तो वो कैसे बता सकती है, कैसे गवाह लेके आएगी, वो कहाँ से लाएगी वो गवाह। और जो लड़के के परिवारजन हैं वो तो अपने बेटे का साथ देंगे, बेटी का साथ वो नहीं देंगे, दूसरे की बेटी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, अगर मायने रखती तो शायद तलाक तक ना पहुंचा जाता। और फिर इस बिल में खर्चे का प्रावधान तो है, लेकिन उसको बॉन्ड नहीं किया गया है। इस बिल में जो खर्चे का प्रावधान है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बॉन्ड नहीं किया गया है। और मैं चाहूंगी, मेरी भाजपा सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि वो इसको बॉन्ड करे, जब भी बॉन्ड हो तभी 3 तलाक देने वाले को आजादी मिलनी चाहिए, 3 तलाक देने वाले को, सॉरी, तीन तलाक देने वाले को जमानत देनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि जो 3 तलाक देने वाले मर्द हैं उनको पहली बार में ही, जैसे 3 तलाक भी लाने के बाद ऐसा तो हुआ कि वो थाने तक पहुंच रहे हैं, थाने तक जा रहे हैं, और उनको थाने से जमानत नहीं मिलती, उन्हें निचली कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, लेकिन मैं चाहूंगी उनको अपर सस्त से जमानत दी जाए, अपर सस्त से जमानत दी जाए उनको, ऐसे ही जमानत ना दी जाए। और मैं कहना चाहूंगी कि जब 3 तलाक को तलाक माना ही नहीं गया है, तो हम जैसी महिलाएं अपने घर से बाहर क्यों हैं, हमें हमारे घरों में क्यों नहीं रखा जा रहा,
क्योंकि ससुराल वाले तो बोल चुके हैं कि तलाक हो गया है और तीन तलाक को तलाक माना ही नहीं जा रहा, फिर हम अपने घरों से बाहर क्यों हैं? हमें हमारे घरों में जगह क्यों नहीं मिल रही? मेरी भाजपा सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें एक ऐसा बिल चाहिए, एक कंप्लीट फैमिली एक्ट चाहिए हमें, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, जैसे बौद्ध मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, ऐसे ही एक मुस्लिम कंप्लीट फैमिली एक्ट होना चाहिए। क्योंकि तीन तलाक बिल आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है कि तीन तलाक बिल आया है, एक नई शुरुआत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसमें जो धीरे धीरे शायद पूरी होगी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानती कि पूरी नहीं होगी। अगर हम आवाज उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारी आवाज को फिर से सुना जाएगा। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम लड़ना चाहेंगे और हमें लड़नी भी चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि निकाह का नाम देके जैसे हमें दबाया जाता है, निकाह का मतलब सिर्फ गुलामी रखा गया है, जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता। इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में औरत को बराबर का दर्जा दिया गया है। क्या कभी ये भी बताया जाता है यहाँ बैठकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते थे कि वे उनके पैर भी दबाया करते थे? ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म को सही तरीके से नहीं बताया जाता, उसको एक गलत तरीके से सिर्फ एक वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ही फॉरवर्ड किया जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कभी यह भी बताया गया है कि हजरत आयशा सिद्दीका तलवार लेके जंग में गई थी? नहीं, ऐसा नहीं बताया जाता, क्योंकि मुस्लिम महिला तो गुलाम है, घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, सिर्फ चार दीवारी ही उसके लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है इस्लाम में, ऐसा नहीं है इस्लाम में, औरत पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये तो सिर्फ एक शरिया, मैं शरिया को गलत नहीं कहूंगी क्योंकि मैं शरिया के बारे में ज्यादा ज्ञान तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी जो इस तरह की बातें करते हैं वो नहीं हो सकता कुरान शरीफ में। मैंने भी कुरान शरीफ को पढ़ा है और समझा है। और मुस्लिम धर्म में बोला जाता है कि चार शादियों की इजाजत है, उन चार शादियों की इजाजत के लिए तो सब बता देते हैं कि चार शादियों की इजाजत है, लेकिन कभी यह भी बताया गया है कि उस शादी के लिए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो पहली बीवी की इजाजत होनी की जरूरत है? और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपनी पहली शादी होने के बाद भी दूसरी शादी करवाना चाहेंगी अपने हस्बैंड की? मैं चाहूंगी कि कम से कम उनमें से कोई दो चार ही को बुलाया जाए। देखिए, जो हम पे बीतती है, जो हमने मैंने तीन तलाक का जो दंश झेला है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूंगी कि एक शराब है, इसको खत्म होना चाहिए। ये आजादी है, लेकिन बहुत अच्छा है कि ये बिल पास हुआ है, लेकिन इसमें जो कमी है वो भी पूरी होनी चाहिए। और जो लोग इस्लाम को गलत तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, गलत तरीके से बताते हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो एक सुख शांति का मजहब है, एक अमन का मजहब है, उसे इस तरह ही बताएं जिस तरह से कुरान शरीफ में लिखा गया है। ऐसे ना बताएं कि सामने वाले को लगे कि एक ज्यादती वाला मजहब है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू। एम्पैथी, किसी के विषय से किसी के लिए जो समस्या है उसके साथ खुद को जोड़कर देखना और उसकी वेदना को समझना, इंसान होने के तकाजों में सबसे अहम तकाजा ये भी है कि आप समझें किसी का दर्द। और फरहीन जिस दर्द से गुजरी हैं उसी के चलते कई बार उनका गला रुंधा,
कई बार बातों को कहते हुए, क्योंकि देखिए आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्थापित सत्य के तौर पर हमारे समाज ने स्वीकार की, जिनमें से एक मेल डोमिनेंस भी था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई बातों को हमने सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी में, उसकी टेक्निकलिटी में गुम कर देने का या तो अज्ञानतावश वो हमसे हो गया, और या सप्रयास किसी एक हिडन एजेंडे के तहत हमने वो किया। जैसे अगर मेरे पैरों और मेरे हाथों के बीच में कोई पॉलिटिशियन आ जाए तो वो कल से मेरे पैर को ये बताना शुरू करेगा कि देखो तुमको कितने दिनों से इस शरीर के निचले हिस्से में रखा गया और तुमको मुस्तकिले चमड़े के जूते में बंद रखा गया जिसमें से तुमसे बदबू आने लगती है कुछ देर में। वहीं हाथ को देखो, कई बार दिन में उसको साबुन से धोया जाता है। और हाथ तो छोड़ दो, चेहरे को देखो, न जाने दिन में कितनी बार उसमें स्नो पाउडर लगाया जाता है। तुम्हारी उंगलियों पर उंगे हुए बालों को कुछ दिनों में काट दिया जाता है, और सिर के बालों को देखो, ना हो तो ट्रांसप्लांट कराया जाता है। तो ये जो एक गलत तरीके की तर्जुमानी किसी एक बात की हो जाती है। अब देखिए, ये विवाह नामक जो संस्था है, इसके कुछ एक रूल्स और रेगुलेशंस तय किए गए। ये तय किया गया कि लड़की जो है वो विवाह के पश्चात जाकर लड़के के घर में रहेगी, और वहां जाके दोनों, जैसे एक पिच के छोर पर इधर एक बैट्समैन होता है उधर एक बैट्समैन होता है, उन दोनों की जुगलबंदी से वो रन बनते हैं। अगर दोनों एक छोर पे आ जाएंगे तो कोई रन आउट हो जाएगा और टीम हार जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे वो पॉलिटिशियन आ जाए या वो हिडन एजेंडा वाला आ जाए, तो इधर जो चौवे छक्के मार रहा है और उसको जो स्ट्राइक रोटेट करके दे रहा है, उस स्ट्राइक रोटेटर को जाके बोलेगा, यार तुम्हारा स्कोर कार्ड दिखाएगा 40 गेंदों में 15 रन और वो वाला 15 गेंदों में 70 रन, अगली बार जब टीम सिलेक्शन होगा तुम अंदर होगे, वो बाहर होगा, देते रहो और स्ट्राइक रोटेट करके। तो ये जो बिल्ली और बंदर वाली कहानी आपने सुनी होगी, जिसने दो बिल्लियों के बीच में जो रोटी की लड़ाई हुई थी उसमें आकर रोटी का बंटवारा करना शुरू किया था और उसमें तराजू कभी बैलेंस ही नहीं हो पाया, इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि किन चीजों को सही संदर्भों में सही व्याख्या हो रही है और कहां पर किसी एक चीज की नजीर देकर असल में हमको कुछ और दिखाया जा रहा है, और वो दो एनालॉजीज जो हैं वो सही नहीं हैं। और यहीं पर काम आता है हमारा ज्ञानार्जन और हमारा विवेक। हम कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना वो लोग जो मुद्दों को समझते हैं उनसे बातचीत करते हैं, और फिर कितना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम लेने की स्थिति में आ पाते हैं। तो आपने ये देखा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जो लोग पाले के उस तरफ खड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन इसको लेकर सजा का जो प्रावधान है उसको लेकर सोचा जाना चाहिए। और जाहिर है वो लोग जब ये कहते हैं तो इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि इस देश की संसद ने, जो चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संस्था है, वहां से होकर ये कानून का रूप ले चुका है, मतलब वहां पर बैठे हुए लोगों ने भी इसके बारे में सोचा होगा। और जब हम बात करते हैं 56 इंच की या 100 इंच की, तो हम ये भी जानते हैं, देखिए हमारा देश इस बात के लिए पर्याप्त लेग स्पेस देता है, एल्बो स्पेस देता है कि आप आलोचना करें, स्वस्थ आलोचना करते रहें, क्योंकि उसी से हम अपनी मंजिल की तरफ पुख्ता कदम उठाते हैं। लेकिन इसमें हमको ना तो रूलिंग पार्टी होने की हैसियत से या हुक्मरान होने की हैसियत से, वो जो कहते हैं एक शेर है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो हम लोगों को, अगर हम इन्फॉर्म्ड होंगे और हमको चीजें पता होंगी, तो लीडरान या कोई भी आदमी जो दुर्भावना से, या तो विपक्ष में बैठा हुआ आदमी किसी चीज पे चिल्ला के, अरे आपने हमारे साथ जुल्म कर दिया और वो जुल्म हम कागज नहीं दिखाएंगे, अरे भाई साहब इस देश के सब नागरिक हैं, मैं भी कागज दिखाऊंगा, आप भी दिखाएंगे, और अगर नागरिक है मेरे पास कागज नहीं है, मुझको ये सरकार अकोमोडेट करेगी तो आपको भी करेगी। अगर इस तरह का जुल्म कभी होगा तो ये आज की दुनिया है, 21वीं सदी है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है,
तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाएगी और बाकी के लोग देखते रहेंगे। अरे मेरा दोस्त है इमरान जाहिद, अगर इमरान जाहिद के साथ ये कहा जाए कि भाई साहब इसको हटाओ, इसके पास कागज नहीं है, तो मैं आगे खड़ा होऊंगा कि इसको हटा रहे, मैं भी चला, मेरा दोस्त है यार, तो यहां ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए लेकिन हमको एक बात और ध्यान रखना होगा कि एक चीज होती है अंदेशा। जब कभी किसी एक नए ऑफिस को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे नीचे के भी जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कई बार ना प्रत्याशा में और आशंका में मुझको देख रहे होते हैं, ये कैसा होगा यार, ये डांटेगा क्या, ये चिल्ला तो नहीं पड़ेगा न्यूज रूम में मेरे ऊपर, मेरे को गालियां तो नहीं देने लगेगा, यार मैं इसका सबॉर्डिनेट हूं, कहीं मेरे को उठा के ना कहेगी चलो भागो यहां से न्यूज रूम से, आज के बाद देखना मत, ये कैसे गलती हो गई तुम्हारी। ये अंदेशे और इस तरह की प्रत्याशाएं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, इंक्रीमेंट शायद अच्छा हो जाए, मुझको भी होता है, उसको भी होता है। अंदेशों को दूर करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अच्छी बात यह है कि एक जो सिलसिला शुरू हुआ, कई लोग कहते हैं कि उसकी वजह से वो यहां पहुंचे। आप ये भी देखिए, कहते हैं कि सच्चाई और सदाशयता आखिरकार जीतते हैं, आखिरकार जीतते हैं। तो अगर ऐसा है, gotten the message, can't be allowed on this, very soon we are going to have in a minute's time question and answer session, so just to sum it up, wo jo andeshe hai na unka bhi humko khayal rakhna chahiye। agar aap sochiye aapke bacche ne homework nahi kiya hai aur aap usko daantte rahe hain hamesha se, aur wo aaj aapko phir se ghar mein ghuste hue dekh ke soch raha hai ki yaar ye lagta hai marega, aur uski pehle se nigahein aisi hain, और उसमें आप उसको गोद में उठा के बोलें कि चल अच्छे से कर लिया कर यार, टाइम से कर लिया कर, हाँ कल से पार्क चलेंगे घूमने, या कल तेरे को वहाँ लेके जाऊँगा, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। अंदेशों को दूर करना भी हमारा काम है। कई बार कई चीज़ें परसेप्शन में ऐसी हो जाती हैं, यार ये तो हमारे साथ ऐसे ही होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके हुक्मरानों ने कोशिश ये की है कि वो जो एक धारणा बना ली गई कि भाई साहब ये तो एक कम्युनिटी के खिलाफ ही हैं, वो उसके विषय में काम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में और बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आमंत्रित हैं, कुछ एक सवालों के बाद ये सेशन हम समाप्त करेंगे। 10 मिनट का समय सवाल और जवाब के लिए, तो आप सभी से भी अनुरोध की संक्षिप्त रखिएगा। मुझे मालूम है आप कह रहे होंगे कि तुमने पहले इसका ख्याल क्यों नहीं रखा। एनीबडी? और एक गुजारिश आप सभी से मैं करना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आप सब लोगों की राय भी मेरे लिए एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर, एज अ न्यूज़ कास्टर, एज अ न्यूज़ मैन इम्पॉर्टेंट है। दिनेश गौतम 1 ट्विटर पे मैं हूँ। अगर किसी मुद्दे के संदर्भ में आप सब चाहते हैं कि उसमें कोई एक राय शुमार होनी चाहिए तो आप ज़रूर उस पर अपनी बात कहें, मुझको आप सबकी राय का इंतज़ार रहेगा। सवाल जल्दी कीजिए, आप इतने इस उम्र में इतने धैर्यवान कैसे हैं। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे मोहम्मद असदुद्दीन सर से। सर मुझे आपसे ये बात पूछनी थी कि हम, आपने बोला है कि कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं है, पर निर्भया, आसिफा, सुनीता, रेखा और फिर शबाना, इन अलग अलग स्त्रियों का नाम लेकर आपने कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन ही तो किया है। बहुत अच्छा सवाल भाई ने किया है। मैं जवाब देने से पहले सिर्फ दो छोटी सी सिचुएशन क्लियर कर दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अनिला के हिसाब से मैं राइट विंग में हूँ, जनता के हिसाब से अनिला राइट विंग पे बैठे हुए हैं, तो जनता की ज़्यादा चलेगी, अनिला की ज़्यादा नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि धर्म के बारे में बात की गई है, मैं उसको लास्ट में कवर कर दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मैंने कहा कि हमारे देश के अंदर सबको एक नज़र से इंसाफ के साथ देखा जाना चाहिए, और अक्सर ऐसा होता है। तकलीफ कब होती है कि जब किसी लिंचिंग करने वाले जालिम को यूनियन मिनिस्टर गार्लैंड करते हैं, तब एहसास होता है कि जालिमों के साथ कोई खड़े हैं क्या। कभी रेप जिस बच्ची का हो गया उसकी ताईद में उतरने के बजाय रेपिस्ट की ताईद में झंडे लहराए जाते हैं, तब एहसास होता है देश के गलत सीमा में जा रहा है क्या। कभी मासूम बच्ची का जो रेप हुआ उसके बचाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूरी मशीनरी लगाकर बचाया जा रहा है, तब एहसास होता है कि कहीं कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है क्या। और ये हार्ड फैक्ट्स है जिसका ना मैं इनकार कर सकता हूं, आप इनकार कर सकते। निर्भया की मां हो या आसिफा की मां हो, एक मां है, उसकी बच्ची को इंसाफ मिले तो देश आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह।
पर ये दूसरी बात, मेरी बात हो जाने दीजिए, दूसरी बात सिंपल इलियास जी, इलियास जी मैं जो लोग शहजाद मेरा जवाब सुन लीजिए, एक एक बात सिर्फ, एक काउंटर सही से मैं एक जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो लिंचर का धर्म और नारा जय श्री राम है वो ढूंढ लेता है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। आतंकवाद को अल्लाहू अकबर बोलकर अगर किसी मासूम को मारे चौरस्ते पे लाके गर्दन उड़ाइए, जय श्री राम बोल के लिंचिंग करे चौरस्ते पे लाके गर्दन उड़ाइए, कोई भी किसी मासूम को मारे इस्लामी कानून है चौरस्ते पे लाकर उसकी गर्दन उड़ाइए, किसी भी मासूम बच्ची का रेप हो चौरस्ते पे लाके गर्दन उड़ाइए, 100 बार अमेंड हो गया भारत का संविधान, एक बार और करिए, कुरान हदीस वेदा गीता उपनिषद मनुस्मृति बाइबल गुरु ग्रंथ से सिमिलैरिटीज निकालिए, कानून लाइए, सबको इंसाफ दीजिए। सर और एक और सवाल है, मेरा जवाब हो जाने दीजिए भाई, एक ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, एक मिनट भी नहीं लिया अभी, एक कॉलेज में जब दूसरा ये है तो आपको क्यों तकलीफ होती है? मैं वही बता रहा हूँ, अभी आने दीजिए भैया, एक के बाद एक सबकी बारी आई, कॉलेज में जब गीता पढ़ाते तो आपको तकलीफ होती है ना? मैं यही कह रहा था, देखिए मैं ये मानता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 36, ए अर्जुन अपनी मर्जी पे ना चल ईश्वर की मर्जी पर चल। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 यही बात लिखी है, एकम एव द्वितीयम, ईश्वर सबका एक है। तो मेरा मानना यह है गीता पढ़ाई जाए, वेदा पढ़ाई जाए, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद चंदोक्य उपनिषद श्वेतरथ और प्रश्नरथ तैतरीय उपनिषद पढ़ाई जाए, कुरान हदीस बाइबल गुरु ग्रंथ पढ़ा जाए, सिमिलैरिटीज निकाले, सबको एक साथ शांति उन्नति के रास्ते पे लाया जाए, ये मेरा मानना है और इसको बात को आगे बढ़ाया जाए। अब अगर शरिया से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कह दूं मुझे पार्लियामेंट से एलर्जी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जो हिंदू बच्चियों का रेप करके मुस्लिम बच्चियों का रेप करके अगर कोई चिन्मयानंद बैठा है उससे एलर्जी है, अनिला को भी होनी चाहिए। और मुझे पार्लियामेंट से एलर्जी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर लेकिन गाय पे हाथ फेर के कैंसर का इलाज कोई कर रही है और मस्जिदों में मासूमों को मार रही है तो उससे एलर्जी है मुझे। नहीं नहीं एलर्जी होनी चाहिए, तीसरी बात आप सुन लीजिए, काफी तीसरी चौथी बार आप काफी बोल चुके हैं, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि आप जो हैं केवल और केवल कुरान की कसम खा के पूरे देश को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं और हम इसको संविधान से चलाना चाहते हैं, आप बलात्कार में एक धर्म विशेष की बच्ची का जिक्र करते हैं दूसरे का नहीं करते, और हम महिलाएं जितनी हैं, मैं आपको मैं बता दूं और कान खोल के सुन लीजिएगा आगे की समझ के लिए भी, जब महिलाओं का विषय आता है तो हम अपने आप को किसी धर्म और जाति में डाइवर्सिफाई नहीं करते, महिला एक है वो चाहे किसी धर्म से आती हो किसी कम्युनिटी से आती हो। कुछ एक और सवाल प्लीज, खुशी की बात, एक बात और फाइनली मैं इनको समझा दूं, मौका बहुत कम मिलता है मुझे क्योंकि टीवी डिबेट पे तो ये लड़ने लगते हैं, तो मैं केवल अब कौन लड़ रहा, जनता देख रही, नहीं नहीं जनता को देख रही, जनता 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाके मोदी जी को वोट करके उन्होंने एकदम सबसे 70% स्टेट से बाहर भी कर दिए, तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ यहाँ पर इलियास जी बहुत अच्छी बात है, आप महिलाओं का ख्याल रखें, खूब अवेकनिंग लेकर आए, आपके धर्म में तलाक कम से कम हो, अगर तलाक हो तो कायदे से हो, और दूसरी बात यह है जरा सा एजुकेशन का जो स्तर है ना वो भी बढ़ा दीजिए, जिससे कि जेल में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी प्रिजनर्स कौन है आप भी जानते हैं, क्यों है, क्योंकि एजुकेशन कम। थैंक्स टू मोदी जी, योगी जी नहीं, योगी जी मोदी जी छोड़ दीजिए, क्या योगी जी मोदी जी 2014 से पहले के योगी जी मोदी जी आ रहे थे क्या, झूठ का पुलंदा। इसके लिए हम लोगों के पास टीवी है ना, अब टीवी में करेंगे ये सब। एक बार फिर से सवालों की तरफ, प्लीज प्लीज वन क्वेश्चन, प्लीज एक क्वेश्चन, आप आपका हो गया, देखिए बाकी लोग भी हैं, वो एक हाथ पीछे उठा हुआ है, जल्दी से वहां से आप बोल सकते हैं क्या, बोलिए, कोई बात नहीं यार, मैं आपको बगैर माइक के बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, आप ही बोल पाओगे। दिनेश जी जरा महिलाओं के भी तो सवाल ले, महिलाओं का मुद्दा है और सवाल, एक सेकंड, सवाल लड़कियों को थोड़ा सा नहीं, फिर वो पहली कतार और आखिरी कतार अंत्योदय की बात जो आप करते हैं ना वो भी तो ध्यान रखना है। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के पैनलिस्ट का सबसे पहले धन्यवाद, उन्होंने सभी पहलुओं को यहाँ पे नजर डालना चाहा, एक मैं किसी भी पक्ष का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक भारत का आम आदमी हूँ, डिस्क्लेमर, मैं जो देखता हूँ मेरी तरह, मैं जो देखता हूँ कि अगर बीजेपी कोई बिल लाती है तो उसका कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस के सरकार में अगर कांग्रेस कोई बिल लाती है तो बीजेपी विरोध करती है, मैं बहुत ही बहुत सारे ऐसे बिल देखता हूँ जो आम जनता के सपोर्ट में होते हैं, तो क्या मैं आम आदमी होने के नाते
किसी एक ऐसे बिल की राह देख रहा हूँ जिसे दोनों पार्टियां मिलकर सपोर्ट कर रही है, जनता के हित में। क्या बात? नहीं हो सकता, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और कांग्रेस के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है। इसीलिए 370 हटाने में 70 साल लग गए, पर एक शेर जब प्रधानमंत्री के रूप में आया तो उसने 370 जो है वो फटाक से हटा दिया, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। कश्मीर में जो बच्चियां अगर कश्मीर से बाहर शादी कर लेती थी तो वहां की प्रॉपर्टी पे उनका हक खत्म हो जाता था जी, तो नेता जब तक रहेंगे जब तक नहीं हो सकता। सही बोले अनिला, नहीं मुझे लगता है कि आज के जैसे नेता तक मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे नेता लाइए जो पार्टी हित से ज्यादा देश हित के बारे में बात करें। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, ऐसे नेता लाइए जो हर बच्ची और बच्चे के लिए सोचे। 2 करोड़ से ज्यादा मासूम बच्चियों को एबॉर्शन में 20 सालों में हमने मार दिया, एमिली बेकेनन की रिपोर्ट बीबीसी की। वो बच्चियों के बारे में सोच के कानून लाए, हर पार्टी साथ दे, जो ना दे उसकी मेंबरशिप सिटीजनशिप ले ली जाए, मैं मानता हूं। मुझे ये लगता है कि अगर सोसाइटी के तौर पर हमने डाइकोटमी रोक दी, हम जिस आदमी को घर के भीतर गाली दे रहे होते हैं उससे मुस्कुराकर बाहर जाकर हाथ मिलाकर और कैसे हैं आप, क्यों? क्योंकि उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर हम ये दोमुहापन बंद कर देना अपने समाज में, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और हम जहां चाहते हैं अपने देश को ले जाना वहां हम चले जाएंगे, और ये पार्टियों में जो हम वोट बैंक देखते हैं ये भी खत्म हो जाएगा। अगला सवाल जल्दी से, 1:30 पे हमको रैप अप करना है, उससे पहले जितने सवाल आप जल्दी जल्दी ले सकें। हेलो सर, मुझे आपसे पूछना है, आपने अभी बोले कि ऐसा नेता लाएं जो सबकी सुने, जो दोनों का सुने, बट ऐसा नेता है कहाँ, लाए कहाँ से? ना आपकी पार्टी, ना आपकी पार्टी, कहाँ से लाए? बहुत अच्छा। सबका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देने वाला मंत्र केवल और केवल किसका है? नरेंद्र मोदी जी का। और सबका विश्वास जब से जुड़ा है तब से इनको परेशानी होने लग गई है। जो नेता आपस में तोड़े एनआरसी लिस्ट से बाहर करिए, जो नेता जोड़े उसको सबके साथ करिए, और जोड़ने वाले नेता पार्टी की बात बाद में करें, देश की बात पहले करें। निर्भया की माँ रो रही है तो उसके भी आंसू देखे, आसिफा की माँ के भी आंसू देखे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है हमारे पास तो फिर यकीन जानिए देश को बस अल्लाह ही बचाए। मैं कहता हूं शहजाद साहब को दिखाई दे रहा है कि देश जो है इनके साथ भी है, परंतु ये कौन सा चश्मा पहनकर बैठे हैं इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे, मैं तो ये कहूँगी शरिया कानून का चश्मा उतारिए, संविधान का चश्मा पहनिए, दिखाई दे। मुझे घड़ी भी दिखाई दे रही है, चश्मा मैंने घड़ी वाला भी पहना हुआ है। और उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं आपको, अगर हमने ये सोच लिया कि हमको वहां पर उन लोगों को बिठाना है जो हमारे देश की भलाई का काम करें, अगर हमने ये तय कर लिया वोटर के तौर पर, तो चीजें दुरुस्त होने लगेंगी। और आप सबकी भूमिका इसमें है, आपको वो नेता जो सबकी सुनेगा मिल जाएगा अगर हम तय करेंगे तो, और उसकी तरफ हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। अगला सवाल बोलिए, आप तो करीब बैठे हैं, आपकी आवाज भी आ जाएगी। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि एक स्कूल के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ने जिन्होंने तोड़ा वो सीन रिक्रिएट किया गया, उसमें किरण बेदी वहां पर चीफ गेस्ट थे आपके गवर्नर, तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? सही सही बोलिए मनीष जी, आपके मनीष जी के 7 बजे के शो पर खतरा है इलियास शराफुद्दीन की तरफ से, मेरा 4 बजे का स्लॉट सुरक्षित है। मनीष जी आपके 7 बजे को बचाइए। नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इलियास जी क्या सुनना चाह रहे हैं, पर मैं वो बोलूंगी कि सच्चाई। जो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, जो टूट गई वो सच्चाई थी और जो अब बनेगा वो भी सच्चाई है। मैं बतौर एक मुसलमान अपनी बात रखना चाहता हूँ, भारतीय मुसलमान के नाते। जो लोग
अपने आप को बाबर के वंशज समझते हैं, निश्चित रूप से उनको वो बहुत बुरी लगेगी। जो अपने आप को राम के वंशज समझते हैं तो वो ये भी याद रखेंगे कि वहाँ पे एक राम मंदिर खड़ा था जिसकी पुष्टि आज सुप्रीम कोर्ट ने की है और भव्य राम मंदिर वहाँ पे बनकर और, भी और वो टूटना सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाबर के वंशज है? अल्लाह अकबर। क्या सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा बाबरी मस्जिद टूटना तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाबर के वंशज है? नहीं, आपके खिलाफ होते बाबर का हो जाता। अरे भाई, बाबर की औलाद ने जोधा को रानी बनाया था, रानी बनाने की बात करें, 40 साल छोड़ के भागने की बात मत करें। सर ऐसा है, आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पहली ईंट श्री राम मंदिर के लिए आप देंगे क्योंकि आप श्री राम के वंशज हैं। बहुत अच्छा बात करें आप। वेदा कहते हैं नतस्य प्रतिमा अस्ति, किसी प्रतिमा की पूजा ना हो। मैं वेदा को मानकर कहूंगा प्रतिमा की पूजा ना हो, प्रतिमा बनाने और सारे संसार को बनाने वाले ईश्वर की पूजा हो। मैं वेदा के हिसाब से चलता हूँ, आप बीजेपी के हिसाब से चलते, आप अपना रास्ता चलिए, मैं मेरा रास्ता चलता हूँ। वेदों में तैतृय संहिता में लिखा हुआ है पत्नी जो है वो अर्धांगनी है, उसको भी मान लिया करिए। अरे भाई, मानते बोल के दो दो बीवियां करे, पत्नी को मानते बोल के दो दो बीवियों को खुश रखे हुए। फरीन ने कहा कि दूसरी बीवी की इजाजत देने वाली भी कोई बहन को लाओ। मैं कहता हूं अगर अमीर जी बुलाते तो पहली बीवी को लाता था, वो तीसरी करने की बात कर रही है मुझसे। मैं ये कहता हूं असल मसला ये है, आप इंसाफ कर सकते हैं तो आप बराबर करिए और एंजॉय करिए, इंसाफ नहीं कर सकते तो छोड़ के मत जाइए यार, कम अज कम 3 तलाक दे दीजिए उसको। कोई एक या दो लाने से ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरा समाज बदल देंगे। समाज की जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। एक दो बोले फरीन, इंशाल्लाह तीसरी लाके बता देंगे श्रीराम के अब्बा के जैसा, इंशाल्लाह बराबर बताएंगे। आप देखिए कोई चीज को चैलेंज करिए, एक्सेप्ट है, बुरा बोलने से पहले तथ्य सामने रखिए, धार्मिक किताब सामने रखिए, और धार्मिक किताब जो कहती है वेदा गीता कुरान हदीस उसको पढ़ के मानिए, मानेंगे तो सही। हम तो कहते रहे हैं कि धर्म जो है वो आपको सही काम करना बताता है, वेदों में ये लिखा, मान लीजिए आप अनुयायी हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई देखिए, अनुयायी जब होंगे जब पाकिस्तान को बुरा बोल के उसको बीफ सप्लाई करना बंद करेंगे। पाकिस्तान को बुरा भी बोल रहे हैं, बीफ भी सप्लाई कर रहे हैं, देश को नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट में बना डाले, गांव माता की हिफाजत करते बोले थे, ब्राजील से आगे लेके चले गए बीफ एक्सपोर्ट में, ये प्रॉब्लम दे रहा है। नारी की हिफाजत बोले थे, लेके जाके नारी का अपमान करने वालों को बचा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो बुरा ये लगता है। लास्ट क्वेश्चन अजीम भाई, आपके लिए एक सवाल है। अभी आपने मुस्लिम वर्ड वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में नहीं होने के कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए जहाँ तक मैंने ये कानून पढ़ा है, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है उस कंट्रीज में जो तीनों मुस्लिम कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये 6 ग्रुप को उन्होंने पारसी भी जिनकी संख्या केवल 30,244 है, जिसके ऊपर पूरे देश में बवाल चल रहा है, बराबर है। अगर आप बोलते हैं मुझे ये बताओ कि एक मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम पे अत्याचार क्यों करेगी, ये पहला सवाल। दूसरा, रिलीजियस वहाँ परसिक्यूशन हुआ है, मतलब धर्म के आधार पे वहाँ पे अत्याचार हुआ है, प्रताड़ित हुए हैं लोग, तो वहाँ पे मुस्लिम कंट्री होने के नाते वहाँ पे वो प्रताड़ित होंगे क्या? तीसरी बात, अगर वहाँ पे एक अमेंडमेंट एक्ट है, फुल फ्लेज एक्ट नहीं है, अगर हमारी सरकार को लगता है ऐसे कुछ ग्रुप आने वाले हैं तो आगे चल के हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, इस बात का बवाल क्यों मच रहा है देश में, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए, कहीं पर भी किसी का प्रोसिक्यूशन हुआ, किसी भी धर्म के मानने वाले का, मुसलमान को छोड़कर इन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, मैं आपसे कहूँगा भारत उनको जगह देना चाहता है, सम्मान देना चाहता है, मोस्ट वेलकम, मुझे बड़ी खुशी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अत्याचार बाद वक्त जंग के हालात में एक दूसरे पर हो जाते हैं। जब बांग्लादेश अलग बना, पाकिस्तान की आर्मी से बांग्लादेश के मुसलमानों पर भी अत्याचार हुआ तो कई मुसलमान भी आ गए बॉर्डर क्रॉस करके, खाने की परेशानी थी, अब उनको वापस जो भेजने की बात चल रही है, तो हम कहते हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, मत करिए। महाराष्ट्र के अंदर बुरा ना माने, मेरे पिताजी मराठवाड़ा रेजिमेंट से आर्मी नायक थे, 71 की वॉर में खून पसीना दिया भारत के लिए,
महाराष्ट्र से प्यार है, औरंगाबाद का भी रहने वाला हूं, लेकिन महाराष्ट्र में बातों का बिहारी भाइयों पर हमले हो जाते हैं, यूपी के भाइयों पर हमले हो जाते हैं, हालांकि वो हिंदू है लेकिन हो जाते हैं किसी वजह से। तो ऐसे हालात में एक धर्म के अंदर के लोगों में भी टकराव हो जाता है। सही है, ये आवाज आ रही है अब तक, कश्मीरी पंडितों पर हमले हो जाते हैं। एग्रीड, ये कहीं पर भी इस तरह के हमले। एग्रीड, नहीं मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा, मैं एग्रीड, मैं जो गलत है वो वहां भी गलत है और यहां भी गलत। एग्रीड, जो यहां सही है वो वहां भी सही है, और सच हमेशा सच होता है। एग्रीड, इसीलिए हम इस्लाम को मानने वाले हों या हिंदुइज्म के फॉलोअर हों, हमारे लिए एक सूरज है, एक चंद्रमा है, और इसीलिए हमें भी एका चाहिए, तभी हमारा एक और श्रेष्ठ देश बनेगा। दिनेश जी आगे बढ़े, इससे पहले इनको ये पूछ लीजिए कि अहमदिया को ये पहले पाकिस्तानी मुसलमान मानते, मुसलमान अच्छा मानते सवाल आगे से अहमदिया को मुसलमान, बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत अच्छे हैं, शिया को मुसलमान मानते हैं। भाई का एक मिनट में, खाली आधे मिनट में जवाब, 30 सेकंड, खाली 30 सेकंड में जवाब दे दो भाई, अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है। अच्छा सवाल है, जवाब सीधा दीजिए। पाकिस्तान के अहमदिया या दुनिया के अहमदिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और एक पैगंबर आए बोलते और ये बात उनको इस्लाम से बाहर करती है। वो इस मुसलमान आज भी अहमदिया लेकिन वहां है, और आप पाकिस्तान को फॉलो करने की बात कर रही। ना मैं, अरे मेरी बात हो जाने दीजिए, सहदा डरो मत, सुनिए अहमदिया के साथ, नहीं ना डरो मत, आप सुनिए, मैं भाई का पॉइंट का जवाब दे दूं। मैं ये कहता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी मुल्क नहीं है, इस्लामी कानून नहीं चलता, जिन्ना का कानून चलता, जिसकी मिसाल शहजाद देखे उसको फॉलो करना चाह रही। अरे छोड़ो यार पाकिस्तान का पीछा, अगर इस्लाम देखना है सऊदी अरब जाके देखो, वहां पर इस्लाम इंप्लीमेंट है, पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान की मिसाल लेकर बात करेंगे तो मुस्लिम नेशन है, इस्लामिक नेशन नहीं है। वहां की गलती भी गलत है, यहाँ की भी गलती गलत है, दोनों जगह गलत है। यहाँ पर भी रेप ना हो, वहां पर भी रेप ना हो, यहाँ मर्डर ना हो, वहां मर्डर ना हो, यहाँ पर कोई बुरी बात ना हो, वहाँ बुरी बात ना हो, यहाँ लिंचिंग ना हो, वहाँ लिंचिंग ना हो, ये कह रहा हूँ। जैसा कहते हैं, नहीं एक सेकंड, इलियास को इतना पूछ लीजिए कि जब ये सारा कानून, यही कानून कांग्रेस के लोग लाए, तब इलियास की आवाज क्यों बंद हो गई थी? कांग्रेस के लोग लेकर आए, अच्छा सवाल, अब सुन लीजिए, अच्छा जवाब देने, जवाब जवाब देने, सवाल करे ना, अरे सवाल का तो जवाब, आप सबने कभी ना कभी वो मिठाई जरूर खाई होगी, तो सिर्फ इतना है जिसको हम लोग जुबान पे रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि वो अंदर ना चली जाए यार, कुछ देर और जुबान पर रुके। अच्छा दिनेश, लेकिन जैसा कहते हैं कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, दिस वाज अ वेरी वेरी गुड एंड हेल्दी डिस्कशन, बट दिस इज ऑल्सो कमिंग टू इट्स एंड। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, ननिला जी, भाई साहब आप बहुत कमाल का बोलते हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ चर्चा में जुड़ने के लिए, मैम बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग कहाँ जा रहे हो, अपने साथियों की बात नहीं सुनोगे, इन बड़ों की बात सुनिए, अपने साथियों की बात नहीं सुनोगे? जैसा स्टूडेंट स्पीकर्स की स्पीच हुए बिना कोई उठेगा नहीं, वो आपके साथ के लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं, रुकिए अभी, हम भी आपके बीच के और आपके साथ के हैं। मैंने उनको कहा, मैंने आपको नहीं कहा, वो लोग खड़े हुए थे, वो लोग खड़े हुए थे, मैंने उनको कहा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने क्या इसके बाद हम लोग फिर कंक्लूड करेंगे उनका, उनके विचार सुनने के बाद, वी आर नॉट रैपिंग इट अप राइट नाउ, आफ्टर द स्टूडेंट्स हैव स्पोकन देन वी विल कंक्लूड इट, राइट? प्लीज। सो हु आर द पार्टिसिपेंट्स? स्टूडेंट स्पीकर 1, सागर रमेश साहू। मेरे कुछ सवाल है दोस्तों, कुछ खुरदुरे खारदार सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो जवाबों के मुंतजर है, कुछ थके थके से, कुछ सहमे सहमे से सवाल, मेरे शख्सियत से जुड़े कुछ अहम सवाल, तुम्हारे किए गए वादों पे कुछ सवाल, और उन वादों को तोड़ने के इरादों पे कुछ सवाल, मेरे कुछ सवाल है। कुछ सवाल जमाने से है, कुछ सवाल जमाने के चलन से है, और कुछ पुराने रीति रिवाजों से है, मेरे कुछ सवाल है। मंच पर विराजमान सम्माननीय महाअनुभव, आदरणीय श्रोतागण और मेरे प्यारे मित्रों को सागर शाहू का सप्रेम नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ वो 3 तलाक का है। इसके लिए इस सम्माननीय मंच का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तलाक तलाक तलाक,
कहिए जनाब क्या कहेंगे आप? रिश्ताए उल्फत तोड़ देते हैं बोलकर कुछ भी अनाप शनाप, कहिए जनाब क्या कहेंगे आप? दहेज न देने पर तलाक, लड़का ना हुआ तो तलाक, रोटी जल गई तो तलाक, बाजार में घूमने पर तलाक, नकाब न पहनने पर तलाक, बात बात पर तलाक, बात बात पर तलाक। बना रखा है इन मर्दों ने औरत की जिंदगी को एक मजाक, कहिए जनाब क्या कहेंगे आप? तीन बार कबूल कहा निगाह हो गया, तीन बार तलाक कहा तलाक हो गया। इन मर्दों ने जो सही समझा इनके लिए वही सही हो गया, मार कर तीन तलाक ये तीन थप्पड़, ये मगरूर हो गए, करते रहे गुनाह पे गुनाह और ये बेकसूर हो गए। समाज के बनाए रिवाजों में औरत घुट रही है दिन रात, कहिए जनाब क्या कहेंगे आप? जरा सोचिए अगर औरत मर्द का फर्क मिट जाए, औरत को भी तीन तलाक कहने का हक मिल जाए, तो कल को ये मर्द भी घर से निकाले जाएंगे, औरत की तरह ये भी अपने हक के लिए लड़ते पाए जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लगाएंगे नारे ये भी उठाकर हाथ, सरकार नहीं होना चाहिए तीन बार कहने से तलाक, सरकार नहीं होना चाहिए तीन बार कहने से तलाक, कहिए जनाब क्या कहेंगे आप? अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। औरत की इज्जत कर बंदे, वो जननी है संसार की, तोल कर पैसों में उनको ना बना दो चीज व्यापार की, मर्द हो तो कुछ भी कर जाओगे, मर्द हो तो कुछ भी कर जाओगे, एक बात बताना औरत के बिना ये सृष्टि चला पाओगे? धन्यवाद। धन्यवाद सागर। अगले स्टूडेंट स्पीकर हैं रिद्धि रविंद्र वासु। पीपल टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड मोरालिटी, पीपल टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड मोरालिटी, दे टैग द कल्चर इज वाइट एंड प्योर, येट द लॉस फॉर इट आर इक्वली डार्क एंड इमोरल। आई क्वेश्चन द फतवाज नॉट द कुरान, for they have endangered the women from their own heritage. Good afternoon, I, Riddhi Vasu, would like to present my views on the triple talaq bill. In a male chauvinist society like ours, when they mourn the birth of a girl child and where a marriage is equated to a contract, not sacrament, contrary to this, the Supreme Court, while delivering the verdict of triple talaq, stated that it was manifestly arbitrary of a man to allow a man to break down a marriage whimsically and capriciously. In the modern Indian playgrounds, where the religions are allowed to play, yet so fairly, abolishment of triple talaq has awoken the judicious conscience of the people in order to endeavor the multifaceted issue of women's rights. Having immense conflict of interests, we fail to understand the weird yet sinful culture which adversely affects the women's well-being of living with a constant terror of sudden divorce. Yes, triple talaq has indeed been unfair on the part of the women because they're still being portrayed as the victims, because the one feature of the religious fundamentalism of the Muslim community, of the oppressive and the submissive, which even after amending or making new laws will still persist in the picture. But the question that still remains is that whether the society will still continue to deteriorate the condition of the Muslim women more than it already has. Because according to me, I see no freedom to the Muslim women even after the abolishment of triple talaq. And owing to the fact that never in a lifetime would anybody understand the agony of the narrative of victimization through the patriarchal Muslim community that a pious Muslim woman has to go through. And even though the methods of divorce do not stand with the fundamental principles of gender equality and secularism, it just puts up a question on the dignity of women, justice and basic human right privileges of the Muslim women, making them stand back on the same platform as they were prior to the abolishment of triple talaq.
Summing it up, we all are aware that the Triple Talaq Bill was passed with an aim of providing freedom to the Muslim women. Thereby, with a hope of meliorism, I urge the audience to ponder on whether have we really succeeded in achieving the aim with which the bill was passed. Thank you. Thank you, Riddhi. और अब मैं आदरणीय मंच से निवेदन करती हूँ कि हमारे इन विद्यार्थी वक्ताओं को अपना आशीर्वाद दें. सागर रमेश शाहू और रिद्धि रविंद्र वसु को मंच पर आसीन अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा. सागर रमेश शाहू जिन्होंने काव्यात्मक ढंग से अपनी बात रखी उन्हें सम्मानित करें. एक सम्मान चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर. रिद्धि रविंद्र वासु जिन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में अपने पॉइंट्स हमारे सामने रखे इस मुद्दे पर. बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का. और दिनेश जी से क्षमा प्रार्थना सहित पुनः उनको जो इस पैनल डिस्कशन का समापन करना था उसके लिए एक बार फिर से. पैनल डिस्कशन का समापन तो शहजाद भाई को हक से रोक कर तो मैंने कर दिया, लेकिन एक बात जो मैंने सीखी किसी और के लिए थी, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूँ, खासतौर से यहाँ जो दो आपके बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कही, हम लोग सब निश्चिंत हो सकते हैं कि बातों को बहुत अर्थपूर्ण ढंग से समझा जा रहा है और इस देश का निर्माण बहुत तरतीब और तरीके से हो रहा है. इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं. और इस प्रक्रिया का हिस्सा अगर इस तरफ के लोग हैं तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा इस तरफ के लोग भी हैं. तो जो मैं कह रहा था कि आपकी मैं प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता, आपकी हिंदी से बहुत प्रभावित हूं मैं. मंच को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसमें जो दिमाग में आप तरतीब लेकर चलती हैं कमाल चलती हैं. एक एंकर के तौर पर मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूं. और दूसरे मी तुला प्रेम कर तो मैंने सीखा किसी और के लिए था, लेकिन आप इतनी बढ़िया ऑडियंस हैं कि मी तुला प्रेम कर तो आपके लिए कहने का मन कर रहा है. थैंक यू सो मच नागपुर, थैंक यू सो वेरी मच. यू've बीन वेरी एनकरेजिंग एंड आप बड़ी अच्छी यादों के साथ हम लोग नागपुर से जाएंगे. बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद यहाँ आकर इस मंच में चार चांद लगाने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. सभी का हृदय से धन्यवाद. अब इसके बाद हम लंच ब्रेक ले रहे हैं और वापस 2:30 बजे दूसरा सत्र शुरू होगा. पहले मेहमानों को यहाँ से जाने दीजिए, उसके बाद हम सब जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.